नमस्कार, मैं हूं अभिलाषा, हाजिर हूं आपके सामने लोकतंत्र और देश की बात लेकर। एक ऐसा शो जिसमें लेंगे हम अपने लोकतंत्र का पूरा हाल, जिसमें जानेंगे किस ओर बढ़ रहा है अपना देश और प्रदेश। तो लोकतंत्र में आज बात होगी देश की राजधानी दिल्ली की, जहां चुनावी शोर थम गया है। अब सभी पार्टियों के नेता घर घर जाकर लोगों से वोट मांगने में जुट गए हैं। दिल्ली को 70 विधानसभा सीटों पर शनिवार यानी 7 तारीख को यहां वोट डाले जाएंगे और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी दलों ने वोटरों को लुभाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की 2 रैलियां होनी थी, लेकिन एक रैली रद्द करनी पड़ी। वही हाल राहुल गांधी का भी हुआ। राहुल गांधी की भी ओखला में होने वाली रैली रद्द कर दी गई। और उधर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों ने आज प्रचार के आखिरी दिन अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो किया। इस बीच आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जारी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। आपने आज बीजेपी पर वोटिंग से पहले नकदी और मुफ्त शराब बांटकर वोट खरीदने की कोशिश का गंभीर आरोप लगाया है। तो उधर केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा है कि महाभारत में श्री कृष्ण से दुर्योधन ने सेना मांगी थी, अर्जुन ने श्री कृष्ण का साथ मांगा था। आज भाजपा के पास सारा तंत्र है, हमारे साथ भगवान है, यानी कि जनता जनार्दन है। चुनाव आयोग ने 7 फरवरी को होने वाले मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और केजरीवाल के इस ट्वीट पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के संयोजक पर पलटवार किया। शहनवाज हुसैन ने कहा कि केजरीवाल अब भगवान भरोसे ही हैं, उन्हें जनता पर भरोसा नहीं है। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक होगा, लेकिन उससे पहले जो सरगर्मियां हैं वो साफ तौर पर दिल्ली के तापमान को बढ़ा रही हैं। तो दिल्ली के जंग में कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसका फैसला जनता को करना है, लेकिन पार्टियां और उम्मीदवार अपनी तरफ से लोगों को रिझाने का हर जतन कर रहे हैं। इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की साख दांव पर लगी हुई है। दिल्ली का चुनावी दंगल जीतने के लिए सभी पार्टियों ने अपने शीर्ष नेतृत्व को मैदान में उतार दिया। आज एक झूठ फेंको, लोग उसकी सच्चाई खोज करके आएंगे, तब तक 24 घंटे में दूसरा झूठ फेंक देंगे। सरकार चलाना, राजनीति करना एक गंभीर जिम्मेवारी होती है। दिल्ली का घमासान अपने आखिरी दौर में है। दिल्ली का किला जीतने के लिए सभी सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। क्या बीजेपी, क्या आप और क्या कांग्रेस, हर पार्टी इस बार दिल्ली चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रही है। दिल्ली में शायद ऐसा पहली बार हुआ है जब हर पार्टी के नेता लाभ लश्कर के साथ मैदान में आ डटे हों। पर्दे के पीछे दोस्ती कर करके सरकार बनाई जाती है और अब जब चुनाव आया तो इन दोनों दलों के बीच में एक स्पर्धा चल रही है। ऐसी दिल्ली चाहते हैं हम, ऐसी दिल्ली चाहते हैं जिसपे दिल्ली के हर वर्ग को गर्व हो। हमें 5 साल दीजिए, 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू करेंगे। देश नारों से नहीं चलता, देश का निर्माण तो भावना से होता है, लगन से होता है। यह सब कांग्रेस के विरोधी दलों में नहीं है। वादों और दावों के बीच हर पार्टी दिल्ली का दिल जीतने की कोशिश कर रही है, लेकिन इन सब के बीच सियासी उठापटक और रणनीति का खेल भी जारी है। हर नेता अपने विरोधी की पूरी कुंडली लेकर बैठा है और हर हमला बेहद सधे अंदाज में है। 16 साल की गलतियों को सुधारना और विश्व में गौरव के साथ सीना तान करके कह सके ऐसी देश की राजधानी बनाना, ये बहुत बड़ा भगीरथ काम, उस काम को करने के लिए हमने बीड़ा उठाया है। दिल्ली ने यूं तो चुनाव बहुत देखे हैं, देश की सियासत का केंद्र भी दिल्ली ही है, लेकिन इस बार इसी दिल्ली में सरकार को लेकर हर कोई असमंजस में है। असमंजस इस बात का भी है कि किस पर भरोसा किया जाए। 15 साल शासन करने वाली कांग्रेस, 49 दिन में सत्ता छोड़ने पर माफी मांगने वाले केजरीवाल, या फिर देश की तकदीर बदलने का दावा करने वाली मोदी सरकार,
ऐसी दिल्ली चाहते हैं, हम ऐसी दिल्ली चाहते हैं जिसपे दिल्ली के हर वर्ग को गर्व हो, ऐसी दिल्ली चाहते हैं जिसमें गरीबों का भी विकास हो, मिडिल क्लास का भी विकास हो। दिल्ली का दिल किस पर आए इसका फैसला तो 10 फरवरी को ही होगा, लेकिन इन सब के बीच हर पार्टी और हर नेता खुद को दिल्ली वालों के दिल में उतार देना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। तो दिल्ली के दंगल पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें हमारे मेहमानों के साथ, आपको आज का सवाल बता देते हैं। लोकतंत्र में आज हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या दिल्ली चुनाव में मुद्दों के बजाय नेता हावी रहे? आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं सीधे फोन करके। आप हमारे नेताओं से सीधे सवाल भी पूछ सकते हैं और अपनी राय भी दे सकते हैं। जो गेस्ट पैनल हमारे साथ मौजूद है वो सीधे आपके साथ जुड़ेगा और आपके सवाल का जवाब भी देगा। तो जुड़िएगा हमारे साथ, कॉल कीजिएगा और साथ ही साथ जो आज सवाल हम उठा रहे हैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। अभी जो गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ गया है उससे वाकिफ करा दें आपको। अनिला सिंह बीजेपी की नेता हमारे साथ जुड़ गई हैं, अजीत दौला हैं कांग्रेस के नेता हमारे साथ, और प्रबल प्रताप शाही आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ हैं। सबसे पहले अनिला सिंह जी, जितनी मेहनत आप लोगों ने की है बीजेपी ने, आज ठीक जैसे ही चुनाव प्रचार थमा और शत्रुघ्न सिन्हा का जो बयान आया, बीजेपी के शत्रु वाकई में बीजेपी के शत्रु हो गए क्या? देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा साहब का जो बयान है वो मैंने भी भलीभांति सुना है, और उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं कही है जिस प्रकार से मीडिया उसको एक अलग रंग में रंग कर दिखा रहा है। उन्होंने एक मैं कहूंगी एक उन्होंने बहुत एक अच्छी साइड अपनी दिखाई है। उन्होंने कहा कि हाँ, आम आदमी पार्टी भी अच्छे मुकाबले में है, हम उसको बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं। अगर वो इस प्रकार से अपने प्रतिद्वंदी जो बहुत मजबूती से मैदान में जमा हुआ है उसकी तारीफ अगर कर रहे हैं तो उसको आप नेगेटिवली नहीं ले सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर पड़ रही है। लेकिन अनिला सिंह जी, जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल कड़े शब्दों में आलोचना कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की, सभी जितने भी रैलियां की हैं तमाम मंचों से सीधे उन्होंने कड़ी बातें कही हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, और वैसे में अगर पार्टी का एक सीनियर नेता ये कहता है कि नहीं, लहर तो है और उसको हम कहीं भी मना नहीं कर सकते, उसे डिनाई नहीं कर सकते, तो क्या सीधे अपने नेतृत्व के खिलाफ जाकर बात करने वाली बात नहीं हुई? पार्टी लाइन से हटकर बात करने वाली बात नहीं? अरविंद केजरीवाल जी का जो व्यक्तित्व है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी क्या वो पूरा भारतवर्ष पूरा दिल्ली जानता है अच्छी तरीके से? तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के व्यक्तित्व के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करी। हाँ, आम आदमी पार्टी जो है वो बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है, बहुत मेहनत कर रही है, रणभूमि में वो भी अच्छे कदमों से जमी हुई है, ये पक्ष उन्होंने रखा। तो चलिए, ये तारीफ करने वाली बात है आपके लिए, लेकिन कुछ और बातें भी उन्होंने कही है अनिला जी, उस पर भी आएंगे। अगेंस्ट जाके कुछ कहा तो बिल्कुल नहीं कहा। वो अरविंद केजरीवाल के बारे में जो राय नरेंद्र मोदी जी की है वही दिल्ली वासियों की है। हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा साहब को ये अप्रिशिएट उन्होंने किया है कि आम आदमी पार्टी भी मजबूती से लड़ रही है उस, और जब रणभूमि में आते हैं तो ना हम कांग्रेस को कम आंक सकते हैं, ना आपको कम आंक सकते हैं, और ना ही ये दोनों पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कम आंक सकती हैं। जी चलिए, तो, मतलब इस बयान को आप उनके एक पॉजिटिव पॉलिटिकल सोच करार दे रही हैं, लेकिन कुछ और बातें भी उन्होंने अहम कही, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन प्रबल जी, आप किस तरह से लेते हैं शत्रुघ्न सिन्हा के इस बयान को? क्या वाकई में आपको भी लगता है कि बीजेपी डरी हुई है, सहमी हुई है, इसीलिए इतने हमले भी हो रहे हैं आपके ऊपर और कई तरह से घेरा भी जा रहा है आपको फंडिंग और तमाम मुद्दों को लेकर? जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी ने का जो आज बयान है वो बयान दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज हार स्वीकार कर ली है। चुनाव से पहले 7 तारीख से, वोटिंग से पहले ही 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। जितने इन लोगों ने हमले हमारे ऊपर किए, पहली बार आप पिछले इलेक्शंस 1952 से इलेक्शन भारतवर्ष में हो रहे हैं, ये पहला चुनाव ऐसा है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों ने संवैधानिक पदों की गरिमा के अनुरूप जाके, विपरीत जाकर बयान दिया, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अरविंद भाई के ऊपर, आम आदमी पार्टी के ऊपर इतने ज्यादा आरोप लगाए, अनर्गल प्रलाप किए, कभी कुछ मुद्दा विहीन राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने पेश की, ये लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे
सबसे जिस तरीके का चुनाव लड़ा गया भारतीय जनता पार्टी का, ये ठीक नहीं। अभिलाषा जी, मैं केवल ये पूछना चाहती हूँ इनसे कि जो भी आरोप अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर या मैं कहूँ आम आदमी पार्टी के ऊपर लगाए गए हैं, क्या ये कहते हैं वो गलत हैं? चाहे वो डोनेशन का मसला हो और चाहे दिल्ली वासियों को एक प्रकार से धोखा देकर बीच में छोड़कर जाने की बात हो या कोई भी आप मुद्दा उठा लीजिए, क्या ये कह सकते हैं कि इनके ऊपर जो भी आरोप लगे हैं वो गलत हैं? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हमें गिरफ्तार कर लीजिए और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सब कुछ सरकार के। मैं यही कहती हूँ अरविंद केजरीवाल जी जो हैं, मुझे मालूम है अभी तक जहाँ तक डोनेशन का मामला है, डोनेशन डोनेशन दिया था। प्रबल जी सुन लीजिए, आप बहुत बढ़िया बात कह रही हूँ अरविंद जी के बारे में, है ना, बहुत अच्छी बात कह रही हूँ। वो अच्छे नेता तो अभी तक साबित नहीं हुए, परंतु अगर फिल्म इंडस्ट्री में चले जाते तो अभिनेता बहुत अच्छे साबित होते। मफरल लपेट के और ये कह रहे हैं मुझे तुरंत गिरफ्तार कर लो, तुरंत गिरफ्तार कर लो। क्या पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, नौकरी छोड़कर आए हैं सरकारी इतने ऊंचे औहदे से? सेल्स टैक्स के अधिकारी रहे हैं वो। भारतीय जनता पार्टी के साथ सबसे बड़ी विडंबना यही है कि उनको अरविंद केजरीवाल का मफलर से प्रॉब्लम है, उनको अरविंद केजरीवाल की खांसी से प्रॉब्लम है। जब हम कह रहे हैं मुद्दों पे आकर बहस करिए, किरण बेदी जी आए मुद्दों पर बहस करें, मुद्दों पर बहस नहीं हो रही है। जनता के सवालों, जनता के बीच में चलिए, वहाँ सवाल करते नहीं, वहाँ पे नहीं। अरविंद केजरीवाल मफलर पहनते हैं, अरविंद केजरीवाल को खांसी आती है। जहाँ तक डोनेशन का मामला आप बता रही हैं, डोनेशन में जिन लोगों ने डोनेशन दिया उनमें से लोग आके निकल के टीवी के सामने कह रहे हैं कि हमने डोनेशन दिया और मानहानि का दावा पे कर रहे हैं जिन लोगों ने आरोप लगाया। तो आप देखिए इस तरह के, जिस तरह के आप लोग आरोप प्रत्यारोप मफलर और फांसी से ऊपर उठते हैं, जनता को उससे मतलब नहीं है। अरे आप लोग जिस तरीके से अब राजनीति छोड़कर अभिनेता में, ये किस तरह का बयान है? अजीत जी किस तरह की राजनीतिक सोच? अजीत जी कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ जुड़े हैं, इसके पास दिल्ली के लिए कोई मुद्दा नहीं है। दिल्ली के लिए कोई मुद्दा नहीं है, दिल्ली विकास। अगर आप दोनों इसी तरह से उलझे रहेंगे तो जाहिर तौर पर कांग्रेस इसमें आगे निकल सकती है। अजीत जी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने जिस तरह का कह सकते हैं कि पूरा माहौल बनाया है चुनावी, उसमें फायदा होगा? जो मुद्दों की बात से हटकर और पर्सनल अटैक की बातें शुरू हुई, शीर्ष नेतृत्व ने जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, उसमें कांग्रेस को फायदा होगा? उस विकास की डोर जिसे टूटने की बात आप कह रहे हैं और वापस उस ओर जाने की बात कह रहे हैं, जनता उस बारे में सोचेगी? ये बड़ी आश्चर्यजनक है कि देश के प्रधानमंत्री गद्दी छोड़कर पूरी कैबिनेट, पूरी सरकार, पूरे देश के मेंबर पार्लियामेंट, पूरा देश भूल गए और दिल्ली में सोचा कि दिल्ली बचाएं, दिल्ली की सरकार कैसे लाएं। और ये कोशिश की गई कि जो आपने 9 महीने में जो काम वादे किए, जनता ने आप में विश्वास किया, ऐसा लगा कि शायद इस देश में करिश्मा होगा। और ये व्यक्ति जो आज गरीब के झोपड़ी से पैदा होकर और देश की सर्वोच्च कुर्सी पे पहुंचे हैं, शायद ये आशा की किरण में लगी। लेकिन जिस प्रकार से चुनाव हुआ, मुद्दे की बात खत्म हो गई, विकास के बात खत्म हो गई और दिल्ली के नाम पर, ये ऐसा नहीं लगा कि चुनाव कहीं दिल्ली के विकास के नाम पर है, दिल्ली को खूबसूरत बनाने के नाम पर है जी। आज जिस मुद्दों पर लड़े हैं, ये तो मुझे खुशी इस बात की कि आज दोनों पार्टियां, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, जिस प्रकार से मुद्दों पे, उन बातों पे लड़ रही है जो व्यक्तिगत हैं जी, वो दिल्ली की बात नहीं कर रही। मैनिफेस्टो पे दोनों की एक बड़ी बात और कहना चाहूंगा, जो विजन डॉक्यूमेंट आया बीजेपी का, उससे भी काफी नाराजगी आप लोगों ने जताई, उसमें कुछ बड़ी खामी बताना चाहिए। एक बात और इसमें शामिल करना चाहूंगा कि दोनों ही पार्टियों ने जो ये कहते थे साहब हम बिल्कुल एक वैसा भारत बनाएंगे, ऐसी दिल्ली बनाएंगे जो करप्शन फ्री होगी, जिसमें नेता होंगे वो करप्शन फ्री होंगे, उनका कहीं दोष नहीं होगा। आज कहीं तो चंदे पे आरोप लग रहा है, कहीं उनके उनकी शराब की बोतलें पकड़ी जा रही है, और बीजेपी का हम लोग देख रहे हैं, बीजेपी जो काम कर रही है, देश का प्रधानमंत्री आज सारी बात भूल कर एक मुद्दे पर, एक करके हम आएंगे सभी के पास। बात नहीं है, अजीत जी को बात पूरी करनी होगी। आप क्या कर रहे हैं जी, दिल्ली की इतनी बड़ी चिंता कर रहे हैं? दिल्ली कहाँ जा रही है? आप क्या विजन लेकर आए, क्या कहा आपने दिल्ली के लिए? आप, मैं दोनों दलों से कहना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी और बीजेपी जनता,
पार्टी दोनों ही मिलके तो ये करप्शन की बात कर रहे थे, जन लोकपाल की बात कर रहे थे, दिल्ली में बहुत विकास की बात करते हैं, और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 15 साल में दिल्ली का विनाश हो गया, दिल्ली की तस्वीर खराब हो गई। ये सैकड़ों फ्लाईओवर बनना क्या विनाश है, या बढ़िया चौड़ी सड़कें विनाश है? अनिल जी, ये सवाल बीजेपी से जरूर उठती है, कांग्रेस ने किया है, इसको आप नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? जब आप विजन डॉक्यूमेंट लेकर आए, मैनिफेस्टो नाम नहीं दिया, विजन डॉक्यूमेंट दिया, और किरण बेदी ने जब इसके बारे में बताया, कई खामियां तो उसमें और कई प्रिंटिंग मिस्टेक खुद आपकी पार्टी ने मान लिया। इसके अलावा अगर जो अहम मुद्दे जिस पर बीजेपी की तरफ जनता देख रही थी उस पर कुछ नहीं कहा गया, चाहे वो दिल्ली को अलग राज्य का दर्जा देने की बात हो या फिर अनऑथराइज्ड कॉलोनी को नियमित करने की चीजें हो, यानी कि वो मसले जिस पर जिसको दुखती रथ हम दिल्ली की कह सकते हैं, उसको छूने से आपने आप लोगों ने भी कोताही बरती है। देखिए, दिल्ली की दुखती रथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी बखूबी समझती है। ऐसे ही सातों के सातों सीट एमपी की दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नहीं दे दी है, ठीक है। अभी मेरे भाई जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत सारी बातें कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के विषय में भी कह रहे थे और आम आदमी पार्टी के लिए भी कहा, तो आम आदमी पार्टी के ऊपर तो मैं कुछ नहीं टिप्पणी करूंगी, प्रबल भाई खुद ही देखेंगे, खुद ही निपटेंगे इस मामले में। पर मैं इतना कहना चाहती हूँ, कह रहे हैं सैकड़ों फ्लाईओवर बना दें, तो 115 फ्लाईओवर बनाए हैं 15 साल में, और किस प्रकार से कंजेशन रहता है दिल्ली के अंदर, ये आप भी जानती है, मैं भी जानती हूँ। चलिए हम उन मुद्दों पर लौटेंगे। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हमारे साथ, अशोक राय, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए। अशोक जी, आपसे सीधे तौर पर ये जानना चाहेंगे कि इस बार जितना दिलचस्प हो गया है दिल्ली का मुकाबला, उसमें वाकई में ये लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति हावी हो रही है, मुद्दे जो हैं राजधानी के वो पीछे रह गए। जी, आप ठीक कह रही हैं, इस चुनाव के अंदर राजनीति हावी हो रही है, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही बड़ी पार्टियां हैं और इन्होंने अपना किरदार निभाया है दिल्ली की राजनीति में किसी ना किसी समय पे। केजरीवाल जी आए, थोड़े समय के लिए उनको मौका मिला, और हमारे हिसाब से लगता है कि इस बार जनता ने मन बनाया है कि केजरीवाल को दोबारा जिता के और दिल्ली की कुर्सी पे बैठा दें। यानी कि जितने भी आंकड़े आ रहे हैं पॉल्स के हिसाब से कि आम आदमी पार्टी को बढ़त मिलेगी, आप उससे वाकिफ हैं या फिर ये कह सकते हैं कि कांग्रेस भी इस बार एक पलटते हुए नतीजों को टक्कर दे सकती है, और अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है तो इसका फायदा बीजेपी को होगा क्योंकि वोट जो है वो बटेगा, आम आदमी पार्टी के साथ जो कांग्रेस के वोटर्स जुड़े थे, अगर इस बार नहीं देते हैं अरविंद केजरीवाल को तो कांग्रेस को फायदा होगा? देखिए, दिल्ली में जो नीचे तबका हमारा, मजदूर, किसान और इस तरह के लोग हैं, वर्कर्स हैं, ये सारे के सारे लोग आप पार्टी से जुड़े हैं, इनकी उम्मीदें कहीं ना कहीं खराब हुई हैं कांग्रेस से और भाजपा से। और जो मेरा अपना सर्वेक्षण कहता है दिल्ली में घूमने के बाद, देखने के बाद, समझने के बाद, लोगों से बात करने के बाद जी, कि आम आदमी पार्टी को थोड़ा सा एज जरूर है जी। किरण बेदी यहाँ पर कहाँ दिखती हैं आपको? किरण बेदी जी तो आपका ही एक पार्ट थी कुछ समय पहले तक, और अभी वो अगर भाजपा की प्रत्याशी हैं तो अच्छी महिला हैं, साफ सुथरी महिला हैं, लेकिन साथ लोगों का, जनता के, दिल्ली में लोगों का साथ आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी के साथ। प्रबल जी, क्या किरण बेदी आपकी तो हम नहीं कहेंगे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन की पार्ट रही, आंदोलन से जुड़ी हुई थी, आप लोगों के साथ अच्छा वक्त उन्होंने बिताया है, लेकिन उनके भी पूरे, हम अगर करियर की बात करें और उनके व्यक्तित्व की बात करें तो जनता उन्हें भी पसंद करती है, साफ गोई रखने वाली व्यक्ति है वो, क्या उनसे खतरा महसूस नहीं होता कि अगर अरविंद केजरीवाल जैसा सख्त सीएम चाहती है जनता तो वाई नॉट किरण बेदी? देखिए, कई चीज़ें उसके पीछे कारण हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी इस आंदोलन से शुरुआत हुई थी, किरण बेदी जी उस आंदोलन का पार्ट रही, लेकिन ये सबसे बड़ी चीज़ ये देखने की ज़रूरत है कि जिन मुद्दों को लेके, इंडिपेंडेंट सीबीआई के मुद्दे की बात कर रही थी वो, क्या भारतीय जनता पार्टी इंडिपेंडेंट सीबीआई कर दी, फंडिंग की बात करती थी कि पारदर्शी फंडिंग हो, क्या पारदर्शी फंडिंग है आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी में, तमाम और चीज़ों में, लोकपाल की बात करती थी, लोकपाल क्या अभी आ गया, लोकायुक्त क्या बैठ गया, सख्त हो गया कानून, तमाम चीजें हो गई। जब नहीं हो पाया, अरविंद केजरीवाल जिन मुद्दों पर आंदोलन के दौरान थे, आज भी 2015 में भी उन मुद्दों पर स्टिक हैं। ये बेसिक डिफरेंस है प्रबल जी, एक चीज जो जनता के दिमाग में है, इन्हीं मुद्दों पे तो हम किरण बेदी जी से जवाब मांग रहे हैं, आए और डिबेट करें। एक बात जो जनता के दिमाग में है कि किरण बेदी ने अपनी पारी खेली नहीं है, अरविंद केजरीवाल को मौका मिला था,
किरण बेदी को मौका अभी नहीं मिला है, उनके पास विजन है और सेंटर के साथ जुड़कर काम कर सकती हैं क्योंकि बीजेपी का दामन उन्होंने थामा है। बड़ा फायदा उनको मिलेगा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने का। दिल्ली के कई ऐसी बातें जो आपने कहा कि किरण बेदी का विजन है उसके लिए वो काम कर सकती हैं, और तब सवाल उन पर पूछा जा सकता है कि आपने ये क्यों नहीं किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल की अगर बात की जाए, 49 दिन के में जिस तरह से वो उन्होंने छोड़ा पद को, वो बात अभी भी जहन में कहीं ना कहीं है आम जनता के। क्या लगता है कि एकदम से जिस तरह से चुनाव प्रचार प्रसार आपने किया उससे उसका फायदा मिल जाएगा और आम आदमी पार्टी को मिलेंगे वोट्स इस बार? जो 49 दिनों में जो हमने काम किए, पहली जो चीज है, बेसिक डिफरेंस है, जो 9 महीने से इनकी सरकार चल रही है और जो हमारी 49 दिनों की सरकार, उसमें जनता को स्वयं ही बदलाव दिखा। तमाम रिश्वतखोरी के जो सेंटर्स थे, चाहे आरटीओ का डिपार्टमेंट हो, चाहे पुलिस थी, चाहे एमसीडी के कर्मचारी अधिकारी थे और बाकी जो जगहों पे भ्रष्टाचार एकाएक धीरे धीरे कम होता गया, रिश्वतखोरी बंद हो गई थी, तमाम जगह से दलाल भाग गए थे, सीएनजी के दाम हमने कम किए, जो सब्जियों के दाम आज 40 और 30 रुपए आलू और गोभी और बैगन बिक रहे हैं, हमारे समय पे 15 रुपया सीएनजी का दाम खत्म होने के बाद 15 रुपया 10 रुपए था जी। आज ये बेसिक डिफरेंस जनता देख रही है। आज हम जिन ऑटो से आते हैं, जहां जाते हैं, वो कहते हैं कि भैया जब 49 दिनों की सरकार आपकी थी तो हमको ये फायदे थे, बिजली का फायदा मिला, बिजली के आधे दाम किए, 20,000 लीटर पानी फ्री मिला। इन लोग के समय में क्या मिला? दो बार बिजली के दाम भारतीय जनता पार्टी ने देना। आपको सरकार छोड़ के भाग सरकार छोड़ने की जो बात है उसके लिए स्वयं आप और आप भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब जन लोकपाल बिल को जब चलिए हम इस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। एक और कोई बात, अजीत जी ये सपना है कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, अजीत जी आगे बढ़ना है, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाने के लिए जब हम बढ़े, हमने कदम बढ़ाया, इन लोगों ने हम लोग के कदम को खींचने की कोशिश की, इसलिए हमको 28 सीटें मिली थी। हमने कहा हम फिर से चुनाव चाहते हैं, 8 सीटें और मिलेंगी। बीत गया है प्रबल जी, और कितना फायदा आपको मिलेगा इस पर हम चर्चा करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं बरेली से, उनका कॉल ले लेते हैं जी। प्रेम कुमार है हमारे साथ, स्वागत है प्रेम जी आपका, बताएं क्या कहना चाहते हैं। देखिए नरेंद्र मोदी जी जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री है, पहली बात इनको हेलो जी जी, ऐसा है जो नरेंद्र मोदी जी जो है जो हमारे देश के भावी प्रधानमंत्री और देश की जनता पे बहुत विश्वास करती है। हेलो हम सुन पा रहे हैं आपको, बात पूरी करें, टीवी का वॉल्यूम कम कर लें। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं ये कह रहा था जो विश्वास करती है और इन्होंने जो काले धन पे, हेलो काले धन पे जो इन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए इनके हर खाते में आएंगे, ये खाली जनता को गुमराह कर रहे हैं, ऐसी इन्होंने गैस सब्सिडी की बात कही है। चलिए हम आपकी बात समझ गए, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पे पूरी तरह से निशाना है और कह सकते हैं कि दिल्ली के चुनाव में भी मोदी के नाम पर ही जनता वोट देगी और जो लोकसभा चुनाव में जो वादे थे उसका असर भी दिल्ली के चुनाव में इस बार देखने को मिलेगा। अजीत जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से यहाँ ये चर्चा हो रही थी कि आम आदमी पार्टी ने 49 दिनों में कई चीजें की, कई वादे पूरे किए, आप लोगों ने पिछली बार चुनाव में लगातार यही कहा था कि सरकार चलाना आसान काम नहीं है, क्या सिर्फ 49 दिनों में जो कुछ भी हुआ और बहुत ही उठापटक हुई, उसमें धरने भी हुए, तमाम तरह की चीजें हुई, वो बातें क्या जनता के दिमाग से निकलेंगी और वापसी कांग्रेस की तरफ होगी? बिल्कुल, इसमें आपने देखा अभिलाषा जी, लगातार मौका मिला, प्रदेश की जनता ने आपको चुना और भावनाओं की कदर करते हुए कांग्रेस ने कहा कि अब दिल्ली की जनता चाहती है और इनकी बातें बहुत बड़ी हैं, तो ये भी प्रयोग करके देखने का अवसर था कि ठीक है अगर जनता का भला होता है तो उसकी भावनाओं की कदर करते हुए कांग्रेस ने साथ दिया और परिणाम क्या मिला आखिर, ये बड़ा सवाल है दिल्ली की जनता के सामने। जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, तुम मानते थे कि हम सबसे बेहतर कर सकते हैं, हम करप्शन खत्म कर देंगे, डेवलपमेंट लेकर आएंगे, गरीबों को सारा, हम गरीबों के हितों के सारा संरक्षण देंगे, तो बीच में छोड़ के जाना, ये मैं समझता हूं कि दिल्ली की जनता इस धोखे को बर्दाश्त नहीं करेगी और इसका इस चुनाव में परिणाम मिलेगा। आज जो सर्वे, जो टीवी का कंपेनिंग पूरे देश भर में, चाहे वो पार्लियामेंट में चला, चाहे विशेषकर दिल्ली के चुनाव में, ये जो मीडिया कंपेनिंग है, लेकिन कांग्रेस की शायद कांग्रेस कहीं है नहीं, कहीं फाइट में नहीं है, इसका नतीजा मिलेगा। अरविंद केजरीवाल ने यही कहा कि कांग्रेस हमारा साथ नहीं दे रही और सरकार गिराने की साजिश कर रही है, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, तो
कहीं ना कहीं आपके समर्थन से सरकार बनी थी, तो क्या इसका असर इस बार नहीं पड़ेगा चुनाव में? जनता तो ये सोचेगी कांग्रेस का पूरा समर्थन बना, पूरा समर्थन रहा, पूरा सहयोग दिया और दिल्ली की जनता के हक में ये कोशिश की गई कि केजरीवाल जी चाहते हैं कि मैं काम प्रदर्शन करूं, तो काम का प्रदर्शन कहीं नहीं दिखा। और इनको ये लगा, ये नहीं लगा कि भाई ये कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं, ऐसा लगा कि मुख्यमंत्री से आप प्रधानमंत्री के रास्ते में जा रहे हैं, एक ही वजह और कोई कारण नहीं है। जिस दिन हमने बिजली कंपनियों के ऊपर ऑडिट शुरू कराया, जब हमने गैस के दाम जब बढ़ने वाले थे उस पे हमने मुकेश अंबानी के ऊपर जब FIR कराया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जिनकी विचारधारा एक दूसरे से मिलती नहीं है, उसमें इनके अरविंदर सिंह लवली कूद कर उधर चले जाते हैं विधानसभा के अंदर, और विधानसभा में कहते हैं अध्यक्ष जी हम 40 हैं 40, तो ये क्या है? एक तरफ हम लोग थे 28-27 और इधर ये लोग 40 से ऊपर लोग थे, तो बताइए लोकतांत्रिक मूल्यों में और संवैधानिक मूल्यों में क्या होता है? उस समय सरकार अल्पमत की हो जाती है, जब 40 लोग उसके खिलाफ मतदान कर देते हैं तो क्या होता है? नैतिकता क्या कहती है? नैतिकता और संवैधानिक जो दायित्व था उसका हमने निर्वाह किया। और दूसरा सबसे बड़ी हमसे एक गलती हुई, जैसे अभिलाषा जी सुन लीजिए, जैसे हमने जनता से पूछकर सरकार बनाई थी वैसे हमको जनमत संग्रह करके सरकार छोड़नी चाहिए थी। ये हमसे गलती हुई, इसलिए हम जनता से माफी भी मांग रहे हैं। चीज की गलती नहीं, हमसे हम देखिए पहली बार हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी में पहली चीज हुई है हमारे तमाम विधायकों के नेता आम आदमी को भूल गए। अभिलाषा जी मुझे आम आदमी देखिए हम जो कह रहे हैं उसके बाद भी देखिए तमाम नहीं। प्रबल जी ये बताइए आपके नेता हर काम जनता से पूछ पूछ के कर रहे थे, गलती मान रहे ना? हम आपकी तरह नहीं है, हम आपकी तरह थोड़ी है कि गलती नहीं मानते। हमने गलती मानी, हमने माफी मांगी जनता से, हम देखिए हम जनता से माफी भी मांगे। आपके सोच की साजिश कुछ भी नहीं थी, देखिए साजिश वोजिश कुछ भी नहीं थी। देखिए हम लोग राजनीति में नए थे, हमने डेडलाइन पीरियड दिया था कि बिजली के दाम अब आधे करेंगे, पानी इतने दिन में करेंगे, लोकपाल बिल इतने दिन में, जन लोकपाल बिल इतने दिन में, हमने वो करने की कोशिश की और ईमानदारी पूर्वक किया और हमने ईमानदारी पूर्वक जो कार्य किया। चलिए इस बात को जनता अपने जहन में कितना रखती है इस पर हमें पता चल जाएगा 7 तारीख के बाद जब EVM में वोट कैद होंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ ओवैसी आलम जुड़ रहे हैं नोएडा से। स्वागत है ओवैसी जी आपका, कुछ क्या कहना चाहते हैं आप बताएं। बोलना चाह रहा हूँ मैडम कि जिस अन्ना के मंच पर से जो है किरण बेदी कांग्रेस और भाजपा को जो है दोनों भ्रष्ट बोलते थे, आज उसी जो है पार्टी में भाजपा में शामिल हो गए और जो है मुख्यमंत्री का दावेदार बन गए हैं और कहते हैं हम जो है ना भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, तो क्या ये संभव है? ये मैं जानना चाहता हूँ। चलिए ये सवाल सीधा अनिला सिंह जी से। अनिला सिंह जी ये सवाल लगातार पूछे गए हैं, खुद जवाब देना पड़ा है किरण बेदी को भी, तो उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी से वो प्रभावित हैं, लेकिन जब उसी कैंप से कोई नेता दूसरे कैंप में घुसता है तो एक शक और शुबा लाजमी हो जाती है कि हाँ आप पर अगर यकीन करें तो क्यों, क्योंकि आपने पलटी मारी है और वो भी तब जब आप कहती थी कि राजनीति नहीं करना चाहिए और फिर आप राजनीति में आ गई हैं। नहीं, इनका प्रश्न क्या था? ये कह रहे हैं कि जिस मंच से बीजेपी को भ्रष्ट कहा था आज उसी पार्टी का दामन थाम लिया। बीजेपी को भ्रष्ट कहा था किरण बेदी जी ने? नहीं, मेरे ख्याल से जो इन्होंने समझा है ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है एक बहुत बड़ी पार्टी है और उसकी जो विचारधारा है उससे किरण बेदी जी बहुत प्रभावित हुई और खास तौर से मोदी जी के नेतृत्व में उनको काम करने का मौका मिल रहा है, इससे अच्छा भाग्यशाली और कौन हो सकता है जी। क्योंकि मोदी जी का जो विजन है वो उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है अभिलाषा जी, मोदी जी जो उनकी कथनी और करनी में बिल्कुल अंतर नहीं है। विरोधी दल जो है चाहे वो कितना भी कहते रहे, उन्होंने गुजरात जैसे प्रदेश को किस प्रकार से और किस पटल पे लाके खड़ा कर दिया है वो आप उसको अनदेखा नहीं कर सकते हैं। और यही विजन और यही सोच के साथ जो है वो भारत के प्रधानमंत्री भी बने हैं और बहुत ही कर्मठता से लगे हुए हैं। हाँ, यह चीज जो है हजम नहीं हो रही है विरोधी दलों को। आम आदमी पार्टी है जो हर चीज पूछ पूछ कर करती रही है जनता से, और जब इन्होंने जनता को धोखा दे के दिल्ली की गद्दी छोड़ी ये कह के कि कांग्रेस और बीजेपी मिल गए हैं। आपकी बात सही है, लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम पर तो वोट मिल सकते थे। और मैं कहना चाहूंगी सवाल का जवाब आपसे लेंगे अनिला जी, छोटे से ब्रेक की हमें दरकार है, फौरन हाजिर हो रहे हैं लोकतंत्र लेके और इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर किरण बेदी की जरूरत क्यों पड़ी बीजेपी को और क्या वाकई में परफॉर्म कर पाएंगी बीजेपी के लिए किरण बेदी, इस पर चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ।
स्वागत है ब्रेक के बाद आपका। लोकतंत्र में दिलचस्प यहां पर चर्चा हो रही है दिल्ली के दंगल को लेकर। दिल्ली का रण अब तक हुए विधानसभा चुनावों में सबसे अलग है, क्योंकि अभी तक पार्टियों के दावों, वादों, आरोपों और प्रत्यारोपों से ही जीत या हार का फैसला होता रहा। लेकिन इस बार दिल्ली के रण में साम दाम दंड भेद हर वो तरीका आजमाया जा रहा है जो पार्टी को जीत दिला सके। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इतने बड़े पैमाने पर चुनाव प्रचार शायद ही इससे पहले कभी हुआ हो। ये दिल्ली की सियासत का मिजाज है कि उसने दिल लगी करने वाले नेताओं को घर घर जाकर नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया है। नेता अपनी जीत के लाख दावे भले ही कर रहे हैं, लेकिन दिल के अंदर डर भी समाया हुआ है। दरअसल इस बार दिल्ली की सत्ता के लिए संघर्ष इतना पेचीदा है कि कोई भी नेता अपनी जीत तय मानकर नहीं चल रहा है, और यही कारण है कि बीजेपी और कांग्रेस को दिल्ली के रण में अपने शीर्ष नेताओं को उतारना पड़ा। 16 साल की गलतियों को सुधारना और विश्व में गौरव के साथ सीना तान करके कह सके ऐसी देश की राजधानी बनाना, ये बहुत बड़ा भगीरथ काम, उस काम को करने के लिए हमने बिड़ा उठाया है। अब जब तक मुझ में दम होगा, जब तक मुझ में सांस होगी, मैं झोपड़ी वालों के लिए लड़ूंगा, गरीब लोगों के लिए लड़ूंगा, कमजोर लोगों के लिए लड़ूंगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैं यहाँ 4-5 उद्योगपतियों की राजनीति करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कमजोर लोगों की राजनीति करने आया हूँ, गरीब लोगों की राजनीति करने आया हूँ, और मैं खड़ा रहूंगा उनके लिए। पिछली बार की गलती से सबक लेते हुए आम आदमी पार्टी ने भी इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए खास तैयारी की, और इसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी और कांग्रेस में बेचैनी बढ़ गई। दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि बिजली कंपनियों को सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी का, दिल्ली की पार्टी का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्यों बनाया? मीटरों को इंस्टॉल करने का और मीटरों को रिप्लेस करने का काम सतीश उपाध्याय जी की कंपनियां करती हैं। अगर चुनाव प्रचार का नजारा देखें तो कहीं से भी ये नहीं लगता कि ये चुनाव दिल्ली विधानसभा का है। नेताओं की लंबी फौज, प्रधानमंत्री मोदी, सोनिया, राहुल और केजरीवाल की मौजूदगी ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ हार और जीत से ज्यादा प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। देश नारों से नहीं चलता, देश का निर्माण तो भावना से होता है, लगन से होता है, यह सब कांग्रेस के विरोधी दलों में नहीं है। इस बार दिल्ली का दंगल कई मायनों में खास है। बीजेपी जहाँ अपने विजय रथ को दिल्ली में भी आगे बढ़ाना चाहती है, तो वही कांग्रेस की कोशिश पुरानी जमीन को फिर से पाने की है। लेकिन इन दोनों से ज्यादा दिल्ली में जीत केजरीवाल के लिए मायने रखती है, क्योंकि दिल्ली का फैसला ही केजरीवाल एंड पार्टी का आगे का भविष्य तय करने वाला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो आपने देखा इस रिपोर्ट में जो एक अहम बात उठाई गई है कि प्रतिष्ठा भी कहीं ना कहीं दांव पे लगी हुई है तमाम पार्टियों की। कांग्रेस की बात करें तो दिल्ली में राज किया है और वापसी की उम्मीद है, हालांकि बहुत आगे आकर खुद पार्टी के नेता उसे नहीं देख रहे अपने आप को, लेकिन उम्मीद एक है कि शायद आम आदमी पार्टी को अगर जनता नकारे तो फायदा हो सकता है। आम आदमी पार्टी के लिए 2016 के चुनाव में जो करारी हार मिली, कई जमानत जब्त हुए, उस दुख को भुलाने के लिए मौका है दिल्ली में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए। और बीजेपी के लिए जो मोदी लहर है, जो विजय रथ है, उसे जारी रखने के लिए एक बड़ा प्रेशर है, क्योंकि दिल्ली के चुनाव का असर पूरे देश पर होगा। चाहे वो बिहार की राजनीति की हम बात कर लें या अलग अलग प्रदेशों में जो आने वाले वक्त में जो चुनाव होंगे उसकी बात करें, उसका भी असर होगा। क्या सोचते हैं अशोक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे ज्यादा किसकी यहाँ पर लगी पड़ी है? अगर तीनों पार्टियों की हम बात करें तो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग टाइम किसके लिए है? सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम बीजेपी के लिए है, क्योंकि कि जैसे आपने बोला कि एक विजय रथ पे ये जारी थे, और पूरा 2014 के अंदर जितने चुनाव हुए
बाय एंड लार्ज सारे इन्होंने जीते हैं। तो इस बार क्यों से कि दिल्ली का ये चुनाव है और एक अच्छे नंबर ऑफ सीट्स इनकी आई थी पिछले चुनाव में, तो उसको कायम रखने के लिए और मोदी जी का जलवा कायम रखने के लिए भाजपा को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इस चुनाव में आपको और कांग्रेस को हराने के लिए। अगर अगर मान के चलते अगर बीजेपी को मनचाहा नंबर नहीं आता है तो क्या माने, किस किसको जाएगा क्रेडिट? क्या जिस तरह से शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि कप्तान को ही जिम्मेदारी लेनी होगी, क्या मोदी होंगे या फिर एक बहुत ही आसान तरीका जो किरण बेदी को पुल इन करके लिया है उन पर थोपा जाएगा कि किरण बेदी को लाने का फैसला सही नहीं हुआ? जी हाँ, थोपा तो जाएगा किरण बेदी जी के ऊपर अगर उतने संख्या नहीं आती है भाजपा की, लेकिन जो दिल्ली की कमान अपने हाथ में संभाले थे और 5 या 6 डाली प्रधानमंत्री मोदी ने भी दिल्ली में करी है, तो जो भी यहाँ का उनका इंचार्ज था दिल्ली इलेक्शन का उनके सर पे और किरण जी के ऊपर ये जरूर उत्तरदायित्व रहेगा कि क्यों इतनी कम सीट आई, जबकि हर्षवर्धन जी एक डॉक्टर होने के नाते, एक साधारण व्यक्ति होने के नाते और अच्छे और ईमानदार व्यक्ति होने के नाते जब वो अपने दम पे इतनी सीट्स ला सकते हैं पिछले इलेक्शन के अंदर, तो इस बार भी मेरा ख्याल अगर उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता तो ये चुनाव जरूर भाजपा जी। अनिला जी, जैसा कि कह रहे हैं कि आपके लिए सबसे टफ टाइम है और वाकई में अगर विजय रथ चल पड़ी है मोदी की तो दिल्ली में आखिर क्यों सीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट करने की जरूरत पड़ी? आप कहते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी हम चाहे जो करें, लेकिन ये जनता के गले नहीं उतरता, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल के सामने उन्हीं के कैंप से आपने एक नेता लाकर खड़ा किया, ये पूरी तरह से पॉलिटिक्स है। अगर हारते हैं तो क्या जिम्मेदार किरण बेदी होंगी या फिर पीएम मोदी या फिर दोनों या फिर दिल्ली में जो पार्टी के अंदर टूट है वो? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हारने का प्रश्न नहीं उठता। 10 तारीख को आप भी यहाँ बैठेंगी, मैं भी यहाँ बैठूंगी और आपको मैं लड्डू खिलाऊंगी। 2/3 मेजोरिटी से भारतीय जनता पार्टी जो है दिल्ली में विजय प्राप्त करेगी। तो जब मैंने इस चीज का जवाब दे दिया तो आपके बाकी प्रश्नों का भी जवाब हो गया। किसी के सर पे हारने का ठीकरा नहीं, चलिए चलिए जीत का सहरा किसे देंगे, मुकुट जो है जरूर पहनाया जाएगा। और आपने कहा कि आम आदमी पार्टी के कैंप से किरण बेदी जी को लेकर आ गए, तो आम आदमी पार्टी में वो कभी भी शामिल नहीं थी। एक इंडिया अगेंस्ट करप्शन उस मूवमेंट में ये लोग साथ थे, एक अच्छा मूवमेंट था, उसमें वो भी भागीदारी इन्होंने भी करी थी। और उनका जो विजन है, जो उनकी सोच है, वो बहुत ज्यादा प्रभावित है नरेंद्र मोदी जी से। जब उनको इस प्रकार का मौका मिला, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और उनको मुख्यमंत्री हमने प्रोजेक्ट किया है, और ये तो खुशी की बात है। एक जिसको कहा जाए एक कर्मठ, हार्डवर्किंग, क्लीन इमेज वाली एक महिला अगर चीफ मिनिस्टर बनती है किसी प्रदेश की, तो एक महिला होने के नाते मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये देखिए जो समाज है ये कहते हैं ना मेल डोमिनेटिंग है, तो नहीं अच्छा लग रहा है लोगों को कि किरण बेदी एक महिला चीफ मिनिस्टर जो है कैसे बन जाएगी एक प्रदेश की। पर एक महिला होने के नाते मुझे बहुत गर्व है अपनी पार्टी पे, चाहे वो नई जरूर है, लेकिन जिस तरह का सपोर्ट उन्हें देना चाहिए था। अनिल जी, ये बात आपने सही कहा कि पार्टी में अगर एक महिला नेता को मौका मिलता है सीएम पद को संभालने के लिए, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। उन्हें प्रोजेक्ट भी किया गया, और लेकिन जिस तरह का सपोर्ट सिस्टम किरण बेदी को मिलना चाहिए था वो मिलता नहीं दिखा। उनके पार्टी ऑफिस पर अनिला जी हमला हो जाता है, खुद उनके ही पार्टी के नेता कहते हैं थानेदार हैं वो हंटर चलाएंगे तो हम थोड़ी ना जाएंगे उनके चाय पार्टी में। क्या बात कर रही है अनिला जी? आपको मैं बता दूं, आपको अभिलाषा जी मैं बता दूं, अगर हिंदुस्तान में अगर मोस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी अगर कोई है वो भारतीय जनता पार्टी, तो क्या ये डेमोक्रेसी का पार्ट है कि अपने ही नेता को करने दीजिए, फिर आप अपना प्रश्न कीजिए, मैं आपको जरूर जवाब दूं। नहीं, आप बताएं, अगर आप कह रही है कि सपोर्ट सिस्टम है तो कहां है जी? पूरा फ्रीडम है, अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर कहीं किसी पार्टी में है तो वो भारतीय जनता पार्टी में। और जहां तक आप सपोर्ट की बात कर रही हैं, पूरा पार्टी जो है उनको सपोर्ट कर रही है, बहुत दिल से मन से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो मनोज तिवारी जी को क्यों कॉल करके पूछा जाता है, नोटिस दिया जाता है? अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो क्यों शत्रुघ्न सिन्हा जी से फोन करके एक्सप्लेनेशन लिया जाता है? अभी वो हमारी चीफ मिनिस्टर नहीं डिक्लेयर हुई है। जिस दिन वो डिक्लेयर हुई, मनोज तिवारी जी जो है दिन रात लगकर एज अ चीफ उनके साथ खड़े हो गए थे कि इनको चीफ मिनिस्टर बनाना है दिल्ली प्रदेश का। जी अनिला जी, कई ऐसे नेता भी हैं जिन्होंने कहा कि बहुत ही स्ट्रिक्ट है, हिटलर की तरह पेश आती हैं किरण बेदी, इस पर भी कुछ कहना चाहेंगी आप? पहले से ही ये हाल है तो जब बागडोर संभालेंगी तो क्या होगा? देखिए, किरण जी जो है उनकी बड़ी बहन की तरह है, अगर बड़ी बहन जो है कभी सख्त हो जाती है तो छोटे क्या बोलते हैं, हिटलर हो गए।
है और वहीं पे अगर प्यार प्रेम करती हैं तो उनमें उनको माँ का रूप नजर आता है। तो इस प्रकार की जो बातें हैं परिवार में भी आप देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह है। यहाँ पर यह नहीं है कि बिल्कुल जिस प्रकार से छोटी छोटी पार्टियां होती है कि या कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी की एक व्यक्ति का राज चलता है, यहाँ पे इस प्रकार से कुछ भी नहीं है। और जहां तक उनके जो दफ्तर पे जो हमला हुआ है, बहुत ओपन माइंडेड है, पूरा ग्रुप डिस्कस करता है, इवन हमारे प्रेसिडेंट के अगेंस्ट भी लोग बोलते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ बोलते हैं, जो बात कहना होता है फोरम पे बोलते हैं, वो हारने के बाद बोलने लगे। लेकिन आजकल मैं समझता हूँ कि जो बीजेपी में पहले था आज नहीं है बीजेपी में, ना तो देश में है आज। पीएम जो करते हैं फाइनल है, कोई बोलने की हिम्मत नहीं है। और आप दिल्ली में भी वो उसी सिमिलर आइडियोलॉजी का एक लीडर उन्होंने एस्टेब्लिश किया है। मैं समझता हूँ वहां भी कोई बोलने की हिम्मत किसी को है नहीं। अगर बोलेगा तो वो बोला के समझा दिया, वापस हो गए। आपने देखा जहां तक अनिला जी ने कहा कि इनको गर्व है, महिलाओं का बड़ा सम्मान होता है भारतीय जनता पार्टी में, तो मैं इनसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस पे ये कार्रवाई भी करवाएं। अनिला जी, निहाल चंद जी आपके कैबिनेट में क्यों हैं? उनके ऊपर रेप का चार्ज है, उसको लेके पुलिस खोज रही है उनको राजस्थान में, और ऐसे व्यक्ति आपके कैबिनेट में कैसे हैं? पहला जवाब इसका दीजिए। दूसरा, जिस तरीके से साक्षी जी महाराज, वो साध्वी जी महिलाओं को बच्चा प्रोडक्शन करने का मशीन बना रहे हैं, चार बच्चे पैदा करो, दस बच्चे पैदा करो, जिस तरीके से महिलाओं के प्रति इन लोगों का कोई आदर भाव नहीं है। जब हम इनसे पूछते हैं कि महिलाओं को सुरक्षा कैसे दोगे, हम कहते हैं हम 15 लाख सीसीटीवी लगाएंगे। इनसे पूछे कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल को खांसी क्यों आती है। जब हम कहेंगे महिलाओं को सुरक्षा कैसे मिलेगी, बस में मार्शल्स होंगे, ये कहते हैं महिलाएं, इनके सांसद कहेंगे महिलाएं जींस ना पहने, महिलाएं रात को ना निकलें। ये किस तरह के भारत को, दिल्ली को किस तरफ ले जाएंगे, ये बड़ा ही मुझे समझ में नहीं आता है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ कहती कुछ और है, करती कुछ और है। जहां तक इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के कथनी करनी में अंतर, अभी एक आपके कॉलर ने बोला कि भाई 15 लाख रुपए का वो इंतजार कर रहे हैं अकाउंट खुलवाकर, जनधन योजना में तमाम करोड़ों लोगों ने अकाउंट किए, लेकिन 15 लाख रुपए काला धन कहां गया? ये सारे सेंटर इश्यूज, लेकिन क्या दिल्ली काला धन कहां गया? तमाम मुद्दों पे, तमाम महंगाई भ्रष्टाचार पे, सारी बातों का जवाब जगहों पर यू टर्न रहा, महिलाओं का अपमान बड़ा बड़ा बोल लगाया, बहुत हुआ महिलाओं का अपमान, अब की ये फलाना सरकार, लेकिन अब महिलाओं का यूबेर केस में हुआ, जब हमारी पार्टी की महिलाएं वहां गई तो उनको सुबह से लेकर शाम तक पार्लियामेंट सीट थाने में बंद कर दिया गया, वहां वो बिना पानी बिना खाने बिना उस तरह रहे लोग शाम तक रात तक। जिस तरीके से इनकी राजनीति है, दिल्ली की जनता देख रही है। इस बार आप कह रही किसकी जीत होगी, इस बार दिल्ली की जनता की जीत होगी। दिल्ली की जनता ने ठान लिया है कि कांग्रेस को वो साफ करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को वो हाफ करेंगे और आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनवाएंगे। ये तो लग रहा था अभिलाषा जी, ये मंच पर खड़े हुए हैं और अपनी चुनावी स्पीच, अपनी चुनावी भाषण दे रहे हैं। चलिए प्रचार प्रसार, एक बात इनसे पूछ लेना चाहती हूँ, अगर आम आदमी पार्टी एक दूसरे को सुनते चलिए आपने बोला अब अनिला जी को सुनिए। जी अनिला, मेरे को तो खांसी हो रही है, एक मिनट। चलिए अनिला जी, आप गलत तर्क कीजिए, तब तक मैं अशोक जी से जानना चाहूंगी कि अशोक जी, अगर सेंटर के इश्यूज को क्रिटिसाइज किया जा रहा है और उसका फायदा क्या आम आदमी पार्टी को भी मिल सकता है? इतने दिन के कार्यकाल में बीजेपी ने जो परफॉर्म किया है, उसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है और फायदा आम आदमी पार्टी को? जी, आम आदमी पार्टी एक अपने 49 डेज का जो इनका एक शासन था उसको छोड़ के, जिसके अंदर कोई करप्शन की बात और कोई इस तरह की बात या लालचन नहीं लगा उस 40 दिनों के अंदर जी। ये जनता की तरफ से मैं सवाल और जनता की तरफ से एक चीज मैं पूछना चाहता हूं हमारे तीनों भाइयों से और बहन से जो बगल में बैठी हैं, कि ये क्या कारण है कि इतने साल आजादी को हुए, दोनों मेजर पोलिटिकल पार्टीज रही सत्ता में और हमारे हिंदुस्तान के पूरे सिस्टम में एक जंग लग गया है। उस जंग को साफ करने का काम अगर छोटे पैमाने पर, छोटे तरीके से कुछ यूथ, कोई नौजवान, आम मजदूर, किसान मिलकर करना चाहते हैं आम आदमी पार्टी के तौर पे, तो इतना थ्रेटेंड क्यों फील करते हैं? आफ्टर ऑल हम लोग सब इस देश के वासी हैं और इस देश की तरक्की और इस लेकिन, देश लेकिन जो आप बात कह रहे हैं वो वेलकम तो सियासी पार्टियों ने भी कर लिया है। पिछली बार जहां ये कह रहे थे कि कौन आम आदमी पार्टी और
कहीं पर भी ये नहीं है। शीला दीक्षित कहती थी कि कौन आम आदमी पार्टी, लेकिन जिस तरह से इन्होंने अपनी धमक दिखाई उससे एक कह सकते हैं भारतीय इतिहास में, राजनीति इतिहास में आम आदमी पार्टी ने अपने आप को दर्ज किया। तो वेलकम तो सियासी पार्टियों ने कर लिया, अगर खुद प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के तमाम बातों वादों दावों की बात कर रहे हैं, उसे झुठला रहे हैं, तो उनके प्रेजेंस को महसूस कर लिया है सियासी पार्टियों ने, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब क्योंकि सियासत कर रहे हैं तो क्या रणनीति है उस पर हम जानना चाहेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अभय है हमारे साथ नोएडा से। जी अभय जी बताइए, चलिए फिर से इनके कॉल को हम शामिल करेंगे। अजीत जी, पिछले बार तो आप लोगों ने बिल्कुल ही कंसीडर ही नहीं किया था आम आदमी पार्टी को, इस बार कंसीडर किया और तरह तरह से आप लोगों ने जितने भी यू टर्न है, अजय माकन जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, तमाम तरह के आरोप उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर लगाए हैं, कहीं ना कहीं इस बार जो है तमाम सियासी पार्टियों ने होमवर्क किया है अपना कुल मिलाकर, और अपने मैनिफेस्टो में भी तमाम जो मुद्दे हैं दिल्ली के उसे प्रॉपरली एड्रेस करने की कोशिश की है। ये अलग बात है कि जो अहम मुद्दे हैं उसे सबने कन्नी काटते हुए किनारा करने की कोशिश की है, लेकिन एड्रेस करने की कोशिश की है। जाहिर तौर पर जनता इस बार सोचने को मजबूर है, किस तरह से देखते हैं आप इसे? सबसे पहले इसमें ये जरूर मेंशन करना चाहूंगा मैडम कि अरविंद केजरीवाल जी ने एक बात की, एक सपना दिखाया और बीच में छोड़ के गई तो जनता के साथ में धोखा दिया। मैं ये कह सकता हूं कि ये बहुत धोखे का जो काम हुआ, एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री जो उन्होंने चुनाव में कहा वहां उन्होंने झूठ बोला, और जो दोनों ही बात एक धोखेबाज है और एक झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, ये बहुत दुखद है इस देश के लिए। एक देश का प्रधानमंत्री ये कहे कि 15 लाख और 20 लाख मिलेंगे और फिर आप जिक्र करते हैं हमें नहीं पता कितना है, और वही काम एक प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहे कि मैं आपके लिए यही काम करूंगा, आप जो बात उन्होंने कही क्या पूरा किया उन्होंने? वो बात कहते जरूर थे और ऐसा लगता था शायद ये बहुत अच्छा काम करेंगे, लेकिन वो कहने तक सीमित था और बीच में पूरा करने की बात नहीं थी। जहां तक प्रश्न कांग्रेस का है, कांग्रेस के तमाम नेताओं ने जो काम किए हैं, अशोक जी ने एक बात कही है कि देश के लिए जरूरी है, डरना किस बात के लिए? अगर कोई नया लीडर, कोई नौजवान नेता पैदा होता है और देश के लिए, प्रदेश के लिए उसकी स्वीकृति मिलती है तो इसमें कोई डाउट नहीं है, हमें कोई इसमें कोई डर नहीं है, लेकिन हमें मानते हैं कि दिल्ली के लिए नहीं देश के लिए जो इन 10 सालों में जो काम कांग्रेस ने दिए हैं, आप उनकी आकलन करिए, उनका पर्सनल लेवल पर देखिएगा, जहां दुनिया में मंदी का दौर था तभी देश के उन गरीबों के लिए, सब पता चल जाएगा। बिल्कुल, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं बस्ती से, हमारे साथ नंदलाल हैं, स्वागत है नंदलाल जी, क्या सवाल आप हमारे पैनल में बैठे नेता से करना चाहते हैं या आपकी राय है हमें बताएं। कृपाशंकर नोएडा से जुड़ गए हैं, जी कृपाशंकर जी बताएं। जी मैडम नमस्कार। नमस्कार, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो बीजेपी है, बीजेपी जो कहती है वो करती नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने 8 महीने पहले इलेक्शन हुआ था, इन्होंने जो जो वादे किए हैं इन्होंने एक भी नहीं अभी तक पूरा किया है। महंगाई जो इन्होंने महंगाई की बात कर रहे हैं, महंगाई एक भी नहीं कम हुई है। भ्रष्टाचार पे ना आरोप लगा है, महिला की बात करते हैं महिलाओं की, राजस्थान में एक महिला के बलात्कार हो जाता है उसको ये डीएम कार्यालय के सामने। चलिए कृपाशंकर जी, बिल्कुल आपकी बात को हम जो लबोलुआब है वो समझ गए कि जो वादे जो सपने दिखाए गए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए। अनिल जी, इसका असर जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा है, आपने तमाम दर्शकों को सुना कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बातों की बात हो रही है जो सपने दिखाए गए थे। किसी की प्यास बढ़ाइए और फिर उसे नहीं बुझाइए। यहाँ पर हम दिल्ली चुनाव की बात कर रहे हैं, पर इससे हटकर अगर आप केंद्र की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग अक्सर कंफ्यूज कर जा रहे हैं, ये दिल्ली प्रदेश का चुनाव हो रहा है, लोकसभा का चुनाव नहीं हो रहा है। लोकसभा की अगर हम बात करते हैं, केंद्र की अगर हम बात करते हैं, तो पूरे भारत वर्ष में जो कुछ करना है उस पर काम किया जाता है, एक छोटे से प्रदेश के लिए काम नहीं किया जाता है। हर डिपार्टमेंट में काम शुरुआत हो चुके हैं, चाहे आप वो ट्रांसपोर्ट का उठा लीजिए, चाहे आप एनर्जी उठा लीजिए, कोई भी स्किल डेवलपमेंट उठा लीजिए। अगर मैं उसकी एक एक की भी चर्चा करने बैठ जाऊंगी तो शायद आपके कार्यक्रम में इतना समय भी नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे केंद्र की बात नहीं करूंगी कि केंद्र का अचीवमेंट क्या क्या शुरुआत हो चुकी है, मैं यहाँ दिल्ली प्रदेश की बात करूंगी। दिल्ली में फैसला दिल्ली के मुद्दों पर होगा, आपके कहने का मतलब है। बिल्कुल। प्रवल प्रताप जी, आपसे जानना चाहेंगे बहुत शॉर्ट में कि जिस तरह आपने अलग अलग पार्टियों को एक्सपोज करने का काम किया है
लगातार अब आप भी एक्सपोज हो रहे हैं, चाहे वो फंडिंग का मामला हो, आवाम ने जिस तरह से आपके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए, इसके अलावा कई ऐसी पार्टियां हैं, कई ऐसे कार्यकर्ता हैं, नेता हैं जो आपसे अलग हो रहे हैं और आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, सीधे अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगा रहे हैं, क्या इसका एक रॉन्ग मैसेज नहीं जाएगा आम जनता के बीच? देखिए, जैसे ही फंडिंग का जो आप कह रही हैं उस पर हमने तुरंत माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास गए और हमने कहा SIT की जांच कराइए, हमारी भी जांच कराइए और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की भी जांच कराइए। देखिए पहली चीज, देखिए अब जवाब सुनना शुरू करो, मैं बोलता नहीं हूँ। अब देखिए, यही इन लोगों की, यही लोग चुनाव को और उसमें हम तमाम चर्चा भी करते रहेंगे। ऐसी कई और चर्चा होंगी आप लोगों के साथ, पैनल में आप होंगे। वक्त की कमी है हमारे पास, लेकिन एक्सपर्ट्स के साथ हमारी चर्चा इसी तरह से जारी रहेगी अगले बार भी। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही, और आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए हमारे साथ, छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। दिल्ली विधानसभा के लिए थमा चुनाव प्रचार, सभी पार्टियों ने किए जीत के दावे, 7 तारीख को डाले जाएंगे वोट, 10 फरवरी को आएंगे नतीजे। मुश्किल में फंस सकते हैं शत्रुघ्न सिन्हा, दिल्ली में चुनाव में हार जीत पर बोले शत्रुघ्न सिन्हा, जीत हार कप्तान की, मोदी हैं कप्तान, किरण बेदी की उम्मीदवारी पर पार्टी में नाराजगी को माना। काले धन पर अब बीजेपी ने भी खींचे कदम, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा 15 लाख खाते में आने की बात थी महज कहावत का, अगर काला धन वापस आया तो आर्थिक विकास में गरीबों के लिए लगेगा। उत्तर प्रदेश में बजट सत्र से पहले मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें तेज, गायत्री प्रसाद प्रजापति समेत कुछ मंत्रियों की हो सकती है छुट्टी। नए गृह सचिव LC गोयल ने कामकाज संभाला, अनिल गोस्वामी की VRS की अर्जी मंजूर, APN ने गोस्वामी को हटाए जाने की सबसे पहले दिखाई थी खबर। और दागे उम्मीदवारों पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, आपराधिक मामले की जानकारी छिपाने पर अदालत को सांसद विधायक या उम्मीदवार की सदस्यता रद्द करने का अधिकार। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, मैं हूं देवेंद्र पराशर। अगले एक घंटे में हम आपको सबसे पहले राजपथ में दिखाएंगे कि दिल्ली विधानसभा के लिए 7 तारीख को होने वाली वोटिंग के लिए चुनावी शोर थम गया है, साथ ही हम बताएंगे कि चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने क्या क्या की है तैयारियां। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों ने क्या दावे किए हैं। हम इस पर भी नजर डालेंगे कि दिल्ली चुनाव के संदर्भ में मोदी के बारे में क्या कहा शत्रुघ्न सिन्हा ने। इसके अलावा हम बताएंगे कि काले धन को लेकर अब क्या कहना है बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह का। साथ ही हम दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश में बजट सत्र से पहले क्या हो सकती है कुछ मंत्रियों की छुट्टी। हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या दिल्ली चुनाव के बाद हो सकती है साक्षी महाराज पर कार्रवाई। साथ ही हम ये भी दिखाएंगे कि जम्मू कश्मीर में सरकार के लिए कहां अटक गई है बात। बात जब राजकाज की होगी तब हम आपको दिखाएंगे कि नए गृह सचिव ने कैसे अपना कामकाज संभाल लिया है। साथ ही बताएंगे कि सुनंदा पुष्कर कांड में किससे हुई पूछताछ। इसके अलावा हम दिखाएंगे कि बजट में टैक्स छूट पर क्या सलाह दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रघुराम राजन ने। जब बात न्याय मंच की होगी तब हम आपको बताएंगे कि दागी उम्मीदवारों की जानकारी को लेकर क्या फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने। साथ ही हम दिखाएंगे कि इशरत जहां हत्याकांड में अब किन आरोपियों को जमानत मिली है। आगे बढ़ेंगे और बात जब चौथे स्तंभ की होगी तब हम आपको दिखाएंगे कि दिल्ली में चुनाव प्रचार पर हुए खर्च से किसको हुआ है सबसे ज्यादा फायदा। और आज देश की बात के संपादक हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल ठाकुर, जिन्होंने मतंग सिंह की पैरवी करने पर गृह सचिव को हटाने के सरकार के फैसले पर अपनी राय जाहिर की है। आज का हमारा सवाल है, क्या शत्रुघ्न सिन्हा का बयान पार्टी की अंदरूनी राजनीति दर्शाता है? इस सवाल का जवाब देने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं फोन लाइन के जरिए जो कि स्क्रीन पर दिख रहा है। साथ ही आप हमारी सोशल साइट के पते पर भी अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं। आपकी सबसे बेहतरीन राय और प्रतिक्रियाओं को हम अपने इस कार्यक्रम में भी शामिल करेंगे।
जी हाँ, तो शुरुआत करते हैं राजपथ से। दिल्ली विधानसभा के 70 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। 7 फरवरी को दिल्ली में एक चरण में ही सभी 70 सीटों के लिए मतदान होना है। चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक अब सियासी दल चुनाव प्रचार का कोई भी जरिया अपना नहीं सकेंगे, मतलब किसी भी तरीके से अपना चुनाव प्रचार अब नहीं वो कर सकेंगे शाम के बाद, और ना ही कोई प्रत्याशी रैली निकाल सकेगा या कोई सार्वजनिक बैठक कर सकेगा। इतना ही नहीं, चुनाव संपन्न होने तक रेडियो टेलीविजन के माध्यम से भी चुनाव प्रचार पर पाबंदी बनी रहेगी। इन सब के बीच चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने जमकर प्रचार किया और दिल्ली के दिल में उतरने की कोशिश की। 7 फरवरी को होने वाले मतदान को लेकर चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के साथ साथ दिल्ली पुलिस ने भी पूरी तैयारी कर ली है। दिल्ली में 7 फरवरी को सभी 70 सीटों पर एक साथ वोटिंग होगी, जबकि 10 फरवरी को नतीजे आएंगे। इलेक्शन कमीशन ने हमें कई हिदायत दी हैं और हम उन हिदायत को सख्ती के साथ में एनफोर्स कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे अब जो हमारा फोकस रहेगा कि शराब वगैरह जो कोई कैंडिडेट्स की टेंडेंसी होती है बांटने की, वो इस प्रकार की कोई हरकत ना कर सके, या कुछ आपस में कई बार इनके आपस में झगड़े होते हैं, इस तरह का कोई झगड़ा ना हो जिससे शहर का माहौल ख़राब हो। दिल्ली विधानसभा की सभी 70 सीटों के लिए इस बार 2531 नए मतदान स्थल बनाए गए हैं, जबकि कुल 11763 मतदान केंद्र पर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इसके अलावा हर एक विधानसभा क्षेत्र में एक मॉडल मतदान केंद्र बनाया जाएगा। राष्ट्रपति भवन के लिए अलग से एक मतदान केंद्र बनेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार कुल 36,000 ईवीएम मशीनों के जरिए लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। इन सब के अलावा इस बार विधानसभा चुनाव में कुल 20,000 बैलेट यूनिट और 15,000 कंट्रोल यूनिट होंगी। इस बार दिल्ली चुनाव में 70 सीटों पर कुल 673 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि करीब 1,33,00,000 से भी ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। We have 673 contesting candidates. दिल्ली विधानसभा चुनाव में 673 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस बार चुनाव में कुल 1,33,09,078 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें से 73,89,089 पुरुष हैं और 59,19,127 महिलाएं। 59,19,127 are females and 862 are part of third gender. उधर संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों को केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज पर जनमत संग्रह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। वेंकैया ने कहा कि ये चुनाव मुख्यमंत्री पद के लिए है, न कि प्रधानमंत्री के लिए। मोदी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये एक प्रदेश का चुनाव है। मुकाबला बीजेपी बनाम शेष का है। दिल्ली चुनाव में मोदी बनाम केजरीवाल की बात को सिरे से खारिज करते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और केजरीवाल में कोई तुलना नहीं है। मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं जिन्हें लोगों ने चुना है और उन्हें 350 से भी ज्यादा सांसदों का समर्थन हासिल है। पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी को दिल्ली में पार्टी का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने के फैसले पर वेंकैया नायडू ने कहा कि ये फैसला सबकी सहमति से लिया गया था और उन्हें लेकर पार्टी के भीतर कोई मतभेद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर दिल्ली में हारती है तो क्या ये प्रधानमंत्री मोदी की हार होगी? पार्टी के सीनियर नेता और सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि हार जीत कप्तान की होती है। शत्रुघ्न सिन्हा पार्टी की प्रचार और नीतियों को लेकर ज्यादा खुश नहीं हैं। उन्हें लगता है कि हर्षवर्धन को बतौर नेता उतारा जाता तो अच्छा होता। उन्होंने आज कहा कि देश में हर तरफ आज हमारे नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है, वह देश की इच्छा के प्रतीक हैं, वह डैशिंग हैं, विजनरी हैं, दबंग हैं, चारों तरफ उनका बोलबाला है और जब वह सामने आ गए हैं तो जाहिर है कि जनमत संग्रह माना जाए या ना माना जाए, लेकिन जहां भी वह होंगे तो जाहिर है कि सबसे पहले निगाह उन्हीं पर जाएगी क्योंकि कप्तान हैं वो। सिन्हा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। उन्होंने कहा कि यकीनन उन्होंने अपनी ताकत का एहसास कराया है, ऐसा ना होता तो उनके चर्चे ना हो रहे होते, वह टीवी पर छाए ना होते। उन्होंने माहौल को एकदम गर्म कर दिया है। सिन्हा ने माना कि किरण बेदी को लेकर पार्टी में नाराजगी है और हर्षवर्धन को उतारा जाता तो बीजेपी को फायदा होता। उन्होंने कहा दबी जुबान से हम भी ऐसी बातें सुनते हैं कि किरण बेदी को लेकर पार्टी में नाराजगी है।
हर्षवर्धन होते तो अच्छा होता, उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है, लेकिन पार्टी का फैसला अगर पार्लियामेंट्री बोर्ड के जरिए होता है और फैसले पर ठप्पा लग जाता तो अच्छा होता, लेकिन अब उतार दिया गया है तो हम उसकी सराहना करते हैं। साथ ही साथ जो बड़ी बात शत्रुघ्न सिन्हा ने कही वो ये कि नकारात्मक चुनाव प्रचार नहीं किया जाना चाहिए। उनका ये बयान इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि सवाल पूछा गया था कि पिछले 3-4 दिनों के भीतर आम आदमी पार्टी के ऊपर जो विदेशी फंडिंग को लेकर हमला किया गया, जो काले धन को लेकर हमला किया गया, उस पर उनका क्या कुछ कहना है। उस राय से वो इत्तफाक नहीं रखते, पार्टी ने जो रणनीति अख्तियार कर रखी थी उस राय से वो इत्तफाक नहीं रखते। शत्रुघ्न सिन्हा का ये जो बयान है उसका बहुत राजनीतिक महत्व इस लिहाज से है कि कहीं ना कहीं सिन्हा को ये मलाल रहता है कि उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली। और इस बार क्योंकि लोकसभा चुनाव जीत के बाद वो ये मानकर चल रहे थे कि बीजेपी की सरकार बन रही है और उसमें वो मंत्री होंगे, और ऐसा नहीं हुआ, तो गाहे बगाहे समय समय पर उनके असंतोष का जो बुलबुला है वो किसी न किसी रूप में फूटते रहता है, जो कि इस बार भी फूटा है। और निश्चित तौर पर भगवा ब्रिगेड के लिए बेहद परेशानी की बात है अगर वोटिंग से पहले ही इस प्रकार से उनके अपने नेता पार्टी के फैसलों के बारे में बयान दें तो। एक और बीजेपी ने दिल्ली चुनाव नतीजों को मोदी सरकार के कामकाज से नहीं जोड़ने की बात कही है, तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा है कि जिस तरह महाभारत में श्रीकृष्ण से दुर्योधन ने सेना मांगी थी और अर्जुन ने श्रीकृष्ण का साथ, उसी तरह आज बीजेपी के पास सारा तंत्र है और हमारे साथ भगवान। दिल्ली के चुनावी महाभारत में अरविंद केजरीवाल ने भगवान कृष्ण पर भरोसा जताया तो उन पर हमला बोलते हुए बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि केजरीवाल अब भगवान भरोसे ही हैं, उन्हें जनता पर भरोसा नहीं है। तमाम संकेतों और अंदेशों के बीच डेरा सच्चा सौदा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को समर्थन देने का फैसला किया है। डेरा सच्चा सौदा के दिल्ली में करीब 20 लाख समर्थक हैं, जिसमें करीब 10 लाख मतदाता हैं। डेरा सच्चा सौदा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को खुलकर समर्थन किया था और हरियाणा में पहली बार बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने में कामयाब रही थी। डेरा सच्चा सौदा के राजनीतिक इकाई के अध्यक्ष प्रदीप के मुताबिक डेरा का बीजेपी को समर्थन की मुख्य वजह बाबा राम रहीम की विचारधारा से मोदी सरकार की विचारधारा का मेल खाना है। हालांकि इस बीच डेरा सच्चा सौदा ने साफ किया है कि समर्थन का फिल्म एमएसजी को सेंसर बोर्ड से हरी झंडी मिलने और राम रहीम की सीबीआई जांच से कुछ के मामले में कुछ भी लेना देना नहीं है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने डेरा सच्चा सौदा द्वारा बीजेपी को समर्थन पर सवाल उठाते हुए कहा कि दोनों के बीच सौदा हुआ है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में नतीजों को लेकर बीजेपी अब अपने दावे से कदम खींचती नजर आ रही है कि उस दिन पहले तक दिल्ली में 2/3 बहुमत पाने का दावा करने वाली पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने अब कहा है कि दिल्ली चुनाव के आने वाले नतीजों को नरेंद्र मोदी सरकार के काम पर जनमत के रूप में न देखा जाए। हालांकि उन्होंने आपको बहुमत का दावा करने वाले सभी ओपिनियन पोल को खारिज किया और विश्वास जताया कि बीजेपी दिल्ली में बड़े बहुमत से सरकार बनाएगी और किरण बेदी मुख्यमंत्री होंगी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता वेंकैया नायडू भी दिल्ली चुनाव को मोदी सरकार के काम से नहीं जोड़ने का बयान दे चुके हैं। उन्होंने बुधवार को कहा था कि यह सही है कि भारत सरकार के काम का असर राज्य के चुनाव पर पड़ता है, लेकिन यह चुनाव मुख्यमंत्री पद के लिए है। राज्य से जो जनमत मिलेगा वह केंद्र के कामकाज पर नहीं होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के बयान से लगता है कि काला धन भले ही देश में वापस आ जाए लेकिन लोगों की जेब में 15-15 लाख रुपए नहीं पहुंचेंगे। अमित शाह ने काला धन वापस लाने और हर परिवार के खाते में 15 लाख रुपए जमा कराने की बात पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लैक मनी को वापस लाने पर हर परिवार को 15 लाख रुपए दिए जाने की बात कहावत के तौर पर कही थी और हर कोई जानता है कि किसी के खाते में पैसे जमा कराना संभव नहीं है। अमित शाह के मुताबिक अगर काला धन वापस आया तो इसे लोगों के आर्थिक विकास में लगाया जाएगा। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी ने घूम घूम कर वायदा किया था कि अगर वो सत्ता में आए तो विदेशों से न सिर्फ काला धन वापस लाया जाएगा बल्कि देश के हर परिवार को 15-15 लाख रुपए भी मिलेंगे। और बात आज के सवाल के जवाब की, तमाम कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण कॉल हम आपके सामने लेकर आएंगे। ऐसा ही एक कॉल है साहिबाबाद से सतीश सिंह का। जी सतीश जी, क्या कुछ मानना है आज के सवाल के जवाब के तौर पर आपका?
सतीश जी से संपर्क टूट गया है। कोशिश होगी कि आगे कुछ और ऐसे दर्शकों की राय है तो हम आप तक लेकर आए। फिलहाल बुलेटिन में आगे बढ़ जाते हैं। क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी अपने बयान बहादुर सांसद साक्षी महाराज पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी? क्या साक्षी महाराज को बीजेपी निलंबित कर सकती है? क्या लगातार विवादित बयान से पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे साक्षी महाराज को लेकर पार्टी ने सख्त कदम उठाने का फैसला कर लिया है? अपने ऊपर निलंबन की तलवार लटकती देख बीजेपी के बड़बोले सांसद साक्षी महाराज के सुर बदल गए हैं। अब साक्षी महाराज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दैवीय शक्ति से भरे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन सब के पीछे उनका वो बयान है जिसमें उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी को एक ओर अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए तो दूसरी ओर उन्हें हिंदू एजेंडे पर नजर बनाए रखनी चाहिए। इतना ही नहीं, साक्षी महाराज ने यह भी दावा किया था कि वो किसी भी सरकार को बना और गिरा सकते हैं। साक्षी महाराज के विवादित बयानों के चलते बीजेपी को खासा नुकसान उठाना पड़ा है। न सिर्फ संसद के अंदर बल्कि संसद के बाहर भी उनके बयानों ने पार्टी को झकझोर कर रख दिया था। उनके बयान पर पार्टी उन्हें नोटिस भी थमा चुकी है, लेकिन साक्षी महाराज अपने बयानों से पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में सूत्रों के मुताबिक पार्टी उन पर कड़ी कार्रवाई कर सकती है। साक्षी महाराज से जब आज इस बाबत एपीएन ने बातचीत की तो वो बेहद भावुक हो उठे। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे ये कहते हुए कि उन्हें गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, लेकिन लाजमी तौर पे जो बयान साक्षी महाराज दे रहे हैं बीजेपी आलाकमान के लिए इन बयानों को पचा पाना कितना मुश्किल है ये किसी भी बड़े बीजेपी नेता से बात कीजिए तो आसानी से समझ में आ जाएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं जहां विधानसभा बजट सत्र से पहले अखिलेश यादव मंत्रिमंडल में बड़े उलटफेर की अटकलें तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल में फेरबदल के बहाने कई दागी मंत्रियों पर गाज गिर सकती है। सबसे ज्यादा खतरा खनन मंत्री गायत्री प्रजापति की कुर्सी पर है। गायत्री प्रजापति के अलावा सरकार के कई और मंत्री भी विवादों में फंसे हैं और इसे लेकर अखिलेश यादव खासे चिंतित हैं। अपने मंत्रियों और विधायकों के कामकाज पर खुद सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी नाराजगी जता चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि बजट से पहले अखिलेश मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है, कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है तो कुछ मंत्रियों के विभागों की अदला बदली भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होगा। राज्यपाल राम नाईक पहले दिन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। 24 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। बॉलीवुड फिल्मों में दिखाए जा रहे स्टंट्स इनको लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को सुझाव दिया है। यूपी सरकार का सुझाव है कि वो बॉलीवुड फिल्म में दोपहिया या चारपहिया वाहनों पर कलाकारों के स्टंट सीन काट दे या फिर उनमें वैधानिक चेतावनी जारी करे। उत्तर प्रदेश के यातायात आयुक्त के रविन्द्र नायक ने कहा है कि फिल्मों में दिखाया जाता है कि हीरो बाइक और कार पर स्टंट कर रहा है और ऐसे दृश्यों को देखकर युवा भी वैसा ही करने की कोशिश करते हैं और अक्सर मौत के शिकार होते हैं। इसलिए सेंसर बोर्ड को सुझाव दिया गया है कि ऐसे में दृश्य फिल्मों में ना दिखाए जाएं ऐसे दृश्य। उन्होंने कहा कि ऐसा देखा गया है कि फिल्मों में हीरो बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के गाड़ी चलाते दिखाए जाते हैं जो कि यातायात नियमों के खिलाफ होते हैं। यातायात आयुक्त रविन्द्र नायक के मुताबिक यूपी में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में 16,000 लोगों की मौत होती है और 90% मामले ऐसे होते हैं जिसमें लोगों की जान बच सकती थी, लेकिन ट्रैफिक नियमों की अनदेखी और बिना हेलमेट गाड़ी चलाने से उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। चलिए एक बार फिर से कॉलर का जवाब ले लेते हैं। पी कुमार जी हैं बरेली से। कुमार साहब स्वागत है आपका एपीएन पर, क्या कुछ कहना है आज के जवाब के बारे में आपको? कुमार साहब आप तक हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, मैं पी कुमार हिंदू बोल रहा हूँ। सर आज के सवाल के जवाब के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? देखिए आज ऐसा है जो नरेंद्र मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने जो किरण बेदी जी को उतार के एकदम उतारा जो है, इससे जो भारतीय जनता पार्टी को ठेस होती है। जो भी जमीनी कार्यकर्ता है, देखिए पूरे जीवन आदमी राजनीति में लगा रहता है। डॉक्टर हरवर्धन जी ने पूरा अपना जीवन काल राजनीति में दे दिया, मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में बड़ा बहुत भारी योगदान था। आज उनको मुख्यमंत्री पद से हटा, उनका नाम हटा देने के कारण बहुत मतलब परेशानी पैदा हुई है और आज इस कारण से मतलब हिंदू कोई भी आदमी आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। चलिए कुमार साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जवाब के लिए। तो ये थे एक दर्शक जो कि अपनी राय रख रहे थे। वैसे सवाल ये भी है कि क्या हर्षवर्धन की नाराजगी अगर है बीजेपी को झेलनी पड़ी है तो ये भी सच नहीं हो सकता है कि हर्षवर्धन को सीएम प्रोजेक्ट नहीं करने से
विजय गोयल जैसे तमाम नेता शायद ज़्यादा खुश होंगे और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से लगे होंगे किरण बेदी के लिए। सब कुछ पता चल जाएगा 10 तारीख को। बात कर लेते हैं बिहार की, जहां जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बचाव किया है। मांझी को हटाने की खबरों को शरद यादव ने ये कहकर खारिज कर दिया है कि इस तरह की बातों का कोई मायने नहीं है। शरद यादव पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर पर चल रहे पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेने पटना पहुंचे थे। दरअसल जेडीयू महासचिव के सी त्यागी के उस बयान के बाद जिसमें उन्होंने कहा था कि जनमत नीतीश कुमार को ही मिला है और नीतीश ही जनमत के नेता हैं, इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि बिहार के सीएम मांझी की कुर्सी जा सकती है। लेकिन शरद यादव के इस बयान के बाद मांझी को हटाए जाने के बारे में पूछा गया सवाल ही गलत है। जब उन्होंने कहा तो लगभग साफ हो गया है कि फिलहाल जीतन राम मांझी की कुर्सी पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन परेशानियां अभी भी हैं क्योंकि 7 फरवरी को जेडीयू के विधायकों की बैठक बुलाई गई है। अब सवाल इस बात का है कि क्या उस बैठक में ये तय कर दिया जाएगा कि जीतन राम मांझी ही आगे भी मुख्यमंत्री बने रहेंगे, किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। दूसरा सवाल ये रहेगा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो क्या बदलाव का संकेत दिया जाएगा। तीसरा सवाल जो कि और ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा वो ये कि ऐसी बैठकों में जेडीयू के क्या सारे विधायक आएंगे या फिर असंतुष्ट गुट कहीं अलग रहेगा। फिलहाल बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां बीजेपी और पीडीपी के बीच गठबंधन पर बातचीत काफ़ी आगे तक पहुंच गई है, लेकिन अभी इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बताया कि दोनों पार्टियों के बीच कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय होने के बाद ही मुख्यमंत्री पद के लिए बातचीत शुरू होगी। अमित शाह का कहना है कि अभी दोनों पार्टियों के बीच कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय नहीं हुआ है। उन्होंने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि अब बात ठीक है कि हमारी पार्टी के पीडीपी के साथ जम्मू कश्मीर की सरकार बनाने को लेकर चल रही बातचीत काफ़ी आगे पहुंच गई है, लेकिन अभी भाजपा और पीडीपी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने में जुटे हुए हैं, यह अभी पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि एक बार सीएमपी तय हो जाए उसके बाद यह विचार किया जाएगा कि राज्य का मुख्यमंत्री किस पार्टी का होगा और कौन होगा, लेकिन यह सब अभी बात की बात है। शाह से जब पूछा गया कि राज्यसभा सीटों के लिए बीजेपी और पीडीपी एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि दोनों पार्टियों के बीच प्रदेश में सरकार बनाने को लेकर मुख्यमंत्री पद समेत सभी मुद्दों पर सहमति बन गई है। तब उन्होंने कहा कि अब राज्यसभा चुनाव में दो पार्टियां एक दूसरे की मदद के लिए साथ आई हैं, इससे लोग क्या अंदाजा लगा रहे हैं कहा नहीं जा सकता। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से, संकेत सिंह। संकेत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आज के सवाल के जवाब के तौर पर क्या कुछ कहना है आपका? सर जैसा कि देखा जा रहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा को अभी बीजेपी में पटना से सांसद है लेकिन उनको कैबिनेट में जगह नहीं मिली है जी। तो हो सकता है कि इनसे बीजेपी की जो आंतरिक लड़ाई है वो सामने बाहर निकल के आ रही है, कहीं ना कहीं उसका अंदेशा लगाया जा सकता है जी। चलिए संकेत जी बहुत धन्यवाद आपका अपनी राय रखने के लिए, और निश्चित तौर पे अब जो समय है बीजेपी के लिए वो समय इन सारे विश्लेषणों का नहीं बल्कि डैमेज कंट्रोल का है, ताकि 7 तारीख को ठीक तरीके से उसके पक्ष में वोटिंग हो, वरना दांव पे साख तो लगा ही है। उधर दिल्ली में भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख दांव पर लगी हो, लेकिन मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दबदबा बदस्तूर कायम है। प्रदेश के चारों नगर निगम के चुनाव में बीजेपी को जीत मिली है। मध्य प्रदेश के इतिहास में ये पहला मौका है जब बीजेपी ने चारों नगर निगमों में जीत हासिल की है। निकाय चुनाव में मिली हार कांग्रेस नेता कमलनाथ के लिए एक बड़ा धक्का है। बीजेपी ने भोपाल, इंदौर, जबलपुर और छिंदवाड़ा नगर निगम पर भारी बहुमत से जीत हासिल की है और पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है। इन सभी जगहों पर बड़ी संख्या में बीजेपी पार्षदों ने भी जीत हासिल की है। भोपाल में आलोक शर्मा, इंदौर में मालिनी गौड़ और जबलपुर से स्वाति गोडबोले और छिंदवाड़ा से कांता सदारंग ने मेयर का चुनाव जीता। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ के शहर छिंदवाड़ा में कांग्रेस की करारी हार हुई है। छिंदवाड़ा में मेयर के लिए पहली बार चुनाव हुआ था। चार नगर निगम के चुनाव हुए, इंदौर, भोपाल और जबलपुर महानगर, और पहली बार बने नगर निगम छिंदवाड़ा में। ये चारों नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी सफलता मिली है और मध्य प्रदेश के धरती पे भाजपा की विजय यात्रा निरंतर जारी है। शिवसेना ने ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुसलमीन यानी कि एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर एक सभा को संबोधित करने की अनुमति नहीं देने के पुणे पुलिस के फैसले का स्वागत किया है। शिवसेना ने कहा है कि इस तरह के भाषण धर्मनिरपेक्षता के लिए खतरा है। शिवसेना ने ओवैसी पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने का आरोप लगाया है। शिवसेना ने ओवैसी और उनके समर्थकों को राज्य में प्रतिबंधित करने के लिए कदम उठाने की बात भी कही है।
शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में एक संपादकीय में लिखकर कहा है कि हम पुणे पुलिस को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ओवैसी को शहर में सभा की इजाजत नहीं दी। पुणे पुलिस ने सोमवार को इस आधार पर ओवैसी को सभा की इजाजत देने से इनकार कर दिया था कि उनकी मौजूदगी से सांप्रदायिक तनाव भड़क सकता है। शिवसेना ने कहा है कि वो आर्थिक स्थिति के आधार पर तो मुसलमानों के लिए आरक्षण के विचार का समर्थन करती है, लेकिन जाति के आधार पर कतई नहीं। शारदा घोटाले में सशर्त जमानत पर रिहा होने के बाद तृणमूल कांग्रेस सांसद संजय बोस ने गुरुवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पिछले साल 21 नवंबर को शारदा स्कैम मामले में सीबीआई की स्पेशल क्राइम ब्रांच ने बोस को गिरफ्तार किया था। संजय को कोर्ट ने 3 शर्तों पर जमानत दी है। पहली शर्त यह है कि वो देश से बाहर नहीं जा सकते, दूसरी गवाहों को धमकी नहीं देंगे और तीसरी कि सीबीआई के समन पर तुरंत हाजिर हो जाएंगे। संजय बोस ने कहा है कि राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने का फैसला लेने के पीछे उनके परिवार का दबाव था। उनके मुताबिक हिरासत के दिनों में मुझे एहसास हुआ है कि राजनीति मेरे बस की बात नहीं है। हालांकि संजय बोस ने तृणमूल प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सांसद बनाने के लिए धन्यवाद दिया। करोड़ों रुपए के शारदा चिटफंड घोटाले के आरोप में अलीपुर जेल में बंद पश्चिम बंगाल के खेल और परिवहन मंत्री मदन मित्रा की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। ताज़ा मामला मित्रा पर जेल में रोजाना शराब पीने का है। आरोप है कि मित्रा के लिए उनके घर से खाना आता है और खाने के साथ ही आने वाले पानी में शराब मिली होती है। जेल में मित्रा यही पानी पीते रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले साल 12 दिसंबर को शारदा मामले में गिरफ्तार मदन मित्रा ने 10 दिन पहले कहा था कि वो अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। इसके बाद जेल अधिकारियों ने जब मदन मित्रा का चेकअप कराया तो पाया गया कि वो बीमार नहीं है, बल्कि शराब पीने के कारण उन्हें परेशानी हो रही थी। जांच में पता चला है कि मदन मित्रा के लिए उनके घर से जो खाना आता है उसके साथ आने वाले पानी में शराब मिली होती है। हालांकि ममता बनर्जी की सरकार में जेल मंत्री हैदर अजीज सफी ने कहा है कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है और इसकी जाँच की जाएगी। जैसे कि हमने आपको पहले कहा था कि आज के सवाल के जवाब में ढेर सारे कॉल आ रहे हैं हमारे पास। दिल्ली से स्वाति कुछ कहना चाह रही हैं। स्वाति, बहुत स्वागत है आपका एपीएन में। क्या कुछ मानना है आपका आज के सवाल के बारे में? मेरा मानना है कि हाँ, कुछ तो है इंटरनली प्रॉब्लम, बिकॉज एक दूसरी पार्टी के मेंबर को अपग्रेड करे, उसको बोले कि हाँ वो सही कर रहा है, ही इज अ नाइस पर्सन, तो ऑब्वियसली देयर इज सम इंटरनल प्रॉब्लम विद इन द पार्टी। सीधे-सीधे सीएम नहीं बनाना चाहिए था जी? सीधे-सीधे किरण बेदी को सीएम के तौर पे प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए था? अभी ये तो पार्टी का डिसीजन है, व्हाट आई कैन से, बट मे बी कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है। चलिए स्वाति, बहुत धन्यवाद आपका अपनी राय रखने के लिए। और निश्चित तौर पे ये जो इंटरनल प्रॉब्लम है वो एक्सटर्नल तब नजर आएगा अगर 10 तारीख को नतीजे बीजेपी के पक्ष में नहीं आए तो। फिलहाल आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उनकी उसी तरह अगवानी कर सकते हैं जैसा स्वागत उनका भारत आने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस दौरान चीन रेशम मार्ग का जिक्र करने के साथ साथ गृहनगर कूटनीति का इस्तेमाल भी कर सकता है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की शी जिनपिंग अपने गृह राज्य शांक्सी और इसकी ऐतिहासिक प्रांतीय राजधानी शियान ले जाएंगे। शियान प्राचीन काल में रेशम मार्ग का प्रमुख केंद्र था। प्रधानमंत्री मोदी 26 मई से पहले चीन की यात्रा पर जाएंगे। चाइना डेली की रिपोर्ट के मुताबिक चीन और भारत के बीच संबंधों की नजदीकी को दिखाने के लिए गृहनगर कूटनीति नई प्रवृत्ति के तौर पर उभर रही है। हालांकि ये नई चीज नहीं है, लेकिन हाल के दिनों में इसमें खासा इजाफा हुआ है। गृहनगर कूटनीति शीर्ष नेताओं के बीच निजी दोस्ताना ताल्लुकात बनाने का एक प्रभावी तरीका है। शी जिनपिंग ने शांक्सी से अपना करियर शुरू किया, जबकि मोदी ने 12 साल तक गुजरात में शासन किया था। मोदी की चीन यात्रा के दौरान नए रेशम मार्ग और समुद्री रेशम मार्ग का जिक्र भी हो सकता है। चीन ने भारत को इन परियोजनाओं में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है। बात कर लेते हैं पाकिस्तान की, जहां की संसद ने कश्मीर दिवस पर एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें पाकिस्तान की सरकार ने भारत पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कश्मीर घाटी में गए कश्मीरियों को बसाकर उसने जम्मू और कश्मीर की जनसंख्या के स्वरूप को बदल दिया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक विदेश सचिव एजाज चौधरी ने भारत सरकार पर आरोप लगाया है कि आबादी को जातीय, धार्मिक और सांप्रदायिक तौर पर बांटकर उसने कश्मीर के ज्यादातर मुसलमानों को अल्पसंख्यकों में तब्दील कर दिया है। पाकिस्तान में इस्लामी सहयोग संगठन YSC के देशों के राजदूतों को संबोधित करते हुए चौधरी ने कहा है कि कश्मीर में कोई भी चुनाव संयुक्त राष्ट्र में जनमत संग्रह का विकल्प नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि इलाके में तब तक शांति स्थापित नहीं हो सकती जब तक कश्मीर विवाद का हल संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के मुताबिक नहीं हो जाता।
एक और दर्शक का कॉल ले लेते हैं। मोहम्मद तारिक साहब हैं इलाहाबाद से। तारिक साहब बहुत स्वागत है आपका आईपीएन में। क्या कुछ मानना है आपका किरण बेदी को जिस प्रकार से बीजेपी ने अपने दल में लिया और सीएम प्रोजेक्ट किया, उसके जवाब के तौर पर? किरण बेदी अभी अभी बिल्कुल करंट पोजीशन पर आई और उनको सीएम के लिए दावत दे दिया गया है। ऐसा क्या पॉसिबिलिटी सबके लिए होती है या आईपीएस की इसलिए? जी चलिए तारिक साहब बहुत धन्यवाद आपका। निश्चित तौर पे बीजेपी ने जब ये फैसला लिया तो उस फैसले के का एक बड़ा कारण ये बताया गया था कि देश की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर हैं किरण बेदी। जाहिर तौर पे उनकी लोकप्रियता को उस रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश थी बीजेपी के, जिस हिसाब से ये फैसला लिया गया है। बहरहाल आगे बढ़ते बात कर लेते हैं बांग्लादेश की, जहां बढ़ते राजनीतिक टकराव के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश में इमरजेंसी घोषित करने की किसी भी आशंका को खारिज किया है। शेख हसीना ने कहा है कि इमरजेंसी लगाने की आशंकाएं दिन में सपने देखने जैसी हैं। जो ऐसे सपने देख रहे हैं वो देश को तबाही की ओर ले जाना चाहते हैं और हम उन्हें कभी कामयाब नहीं होने देंगे। देश में मध्यावधि चुनाव कराने की मांग को लेकर विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी और उसके सहयोगियों का प्रदर्शन और बंद पिछले एक महीने से जारी है। बीएनपी ने 5 जनवरी को बंद की शुरुआत की थी। उसका कहना है कि वो तब तक प्रदर्शन जारी रखेगी जब तक मध्यावधि चुनाव के जरिए देश में निष्पक्ष सरकार नहीं बन जाती। हालांकि सत्तारूढ़ अवामी लीग के नेताओं का कहना है कि बीएनपी और जमात इस्लामी गठबंधन देश में अराजकता का माहौल पैदा कर असंवैधानिक सरकार के लिए रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलते हैं सीधे अमेरिका के हलचलों की ओर। अमेरिका ने इन आरोपों से इनकार किया है कि भारत में धार्मिक चरमपंथ के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का सिरीफोर्ट ऑडिटोरियम में दिया गया भाषण सत्तारूढ़ बीजेपी को निशाने पर रखकर दिया गया था। भारत की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के आखिरी दिन 27 जनवरी को बराक ओबामा द्वारा दिए गए भाषण में उन्होंने कहा था कि भारत तब तक भारत रहेगा और विकसित करते रहेगा जब तक यहाँ धार्मिक एकता बनी रहेगी। ओबामा ने धार्मिक सहिष्णुता की वकालत करते हुए चेतावनी दी थी कि जब तक भारत धार्मिक आस्था के आधार पर नहीं बटेगा वो तरक्की करता रहेगा, विकास करता रहेगा। व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में दक्षिण एशियाई मामलों के वरिष्ठ निदेशक फिल रिनर ने कहा, मैं ये नहीं मानता कि ये किसी भी तरह से चेतावनी देने वाला था। ये सामान्य रूप से राष्ट्रपति ने उन चीज़ों के बारे में कहा था जो हमें महान लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाती हैं। ओबामा के भाषण के इस अंश को लेकर देश की सियासत में उबाल आ गया था, यहाँ तक कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी को इसे सीख लेने की सलाह भी दे दी थी। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया था, बाद में ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि जब ओबामा से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मनमोहन सिंह मिलने गए थे तो वहां पर कांग्रेस नेताओं ने हाल के दिनों में सांप्रदायिक तनाव की जो घटनाएं भारत में हुई थी उन घटनाओं का जिक्र ओबामा से किया था और उसके बाद ओबामा ने वो बयान दिया था। और इस बात को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि अगर वास्तव में ऐसा हुआ था तो निश्चित तौर पर यह बहुत आपत्तिजनक है, क्योंकि जब भी किसी विदेशी नेता से आप मिलते हैं तो अपने घरेलू हालात के बारे में, घरेलू सियासत के बारे में बातचीत नहीं की जाती है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं नॉर्थ कोरिया की, जिसने बयान जारी करके कहा है कि अब गैंगस्टर सरीखे अमेरिकन प्रशासन के साथ बातचीत जारी रखने का कोई फायदा नहीं है। उत्तर कोरिया ने इसके साथ ही अमेरिका की तरफ से आने वाले किसी भी परमाणु और साइबर हमले का पूरी ताकत के साथ जवाब देने की बात कही है। अमेरिका के बीच और कोरिया के बीच खराब हुए रिश्तों के बीच उत्तर कोरिया ने अमेरिका के साथ बातचीत अंतिम रूप से बंद करने का ऐलान किया है। उत्तर कोरिया की सर्वोच्च मिलिट्री यूनिट नेशनल डिफेंस कमीशन ने आक्रामक बयान में कहा है कि गैंगस्टर सरीखे अमेरिकी प्रशासन के साथ किसी प्रकार की बातचीत संभव नहीं है। नॉर्थ कोरिया की तरफ से यह बयान उस वक्त आया है जब अमेरिका ने उसे दुनिया में सबसे अलग थलग पड़े देश की संज्ञा दी है। उत्तरी कोरिया की आधिकारिक न्यूज एजेंसी KCNA की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकन पूंजीवाद इस बार अपना अंत देखेंगे। गौरतलब है कि ओबामा प्रशासन ने सोनी स्टूडियो पर साइबर हमले के लिए उत्तर कोरिया को दोषी ठहराया था। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं पॉलिटिकल टॉप 10 की खबरों पर। 10 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता महत्वाकांक्षी DBT योजना में शामिल हो गए हैं। इसमें उपभोक्ताओं को बाजार मूल्य पर रसोई गैस सिलेंडर खरीदने के लिए उनके बैंक खाते में नकद सब्सिडी मिलेगी। इससे काला बाजारी को रोकथाम की उम्मीद जताई जा रही है। RBI गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली को NPA के कारण संकट का कोई जोखिम नहीं है, क्योंकि NPA मुख्य रूप से सार्वजनिक बैंकों में है और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंकों को ऐसे फिक्स डिपॉजिट शुरू करने की इजाजत दे दी है जिनमें ज्यादा ब्याज मिलेगा, हालांकि शर्त यह है कि उन्हें बीच में तोड़ा नहीं जा सकेगा। चीन में अमेरिकी कंपनियों पर बढ़ती पाबंदियों पर चिंता जताते हुए अमेरिका ने आरोप लगाया है कि चीन स्वतंत्र इंटरनेट की अहमियत को कम कर रहा है।
जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने अपने देशवासियों को भरोसा दिलाया है कि इस्लामिक स्टेट के आतंकियों से बदला लिया जाएगा। इस्लामिक स्टेट ने जॉर्डन की वायुसेना के पायलट को जिंदा जला दिया था, जिसके बाद जॉर्डन ने दो महिला जिहादियों को तत्काल फांसी पर लटका दिया है। अफगानिस्तान की सीमा से सटे कबीलाई क्षेत्रों में किए गए हवाई हमले में 25 उग्रवादी मारे गए। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक हवाई हमले दक्षिण वजीरिस्तान के सांजिला और खबर के तिरा इलाके में हुए हैं। दिल्ली में गिरजाघरों पर लगातार हो रहे हमलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे 200 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया है। ये लोग गृह मंत्री राजनाथ सिंह के आवास का घेराव करने जा रहे थे। हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर आगरा मंडल के वकीलों ने आगरा और मथुरा में ट्रेनें रोकी और कहा कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो दिल्ली के लिए कूच करेंगे। भारतीय मूल के एक अमेरिकी सिख संदीप सिंह धालीवाल टेक्सास में ऐसे पहले पुलिस अधिकारी होंगे जिन्हें दाढ़ी और पगड़ी समेत सिख धर्म से जुड़ी चीजें पहने हुए अपनी सेवाएं देने की अनुमति होगी। सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए गस्त सहायक संदीप सिंह धालीवाल को ये अनुमति दी गई है। शेयर बाजार में गुरुवार को गिरावट देखी गई जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जहां 32.14 अंक टूटकर 28,850.97 अंक पर बंद हुआ, वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि निफ्टी भी 12 अंक टूटकर 8,711.70 अंक पर बंद हुआ। देश की बात में खबरों का सफर जारी है, लेकिन फिलहाल समय एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे राजकाज और न्यायमंच की। ब्रेक के बाद आप सभी के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है देश की बात में। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और जायजा ले लेते हैं राजकाज का। चलें सबसे पहले गृह मंत्रालय से जुड़ी हुई। अनिल गोस्वामी की जगह एलसी गोयल ने गृह सचिव का पदभार संभाल लिया है। शारदा घोटाले के आरोपी और पूर्व केंद्रीय मंत्री मतंग सिंह की गिरफ्तारी में अड़चन पैदा करने की कोशिश पर अनिल गोस्वामी को उनके पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया था। केरल कैडर के 1979 बैच के आईएएस अधिकारी एलसी गोयल का कार्यकाल 2 साल का ही होगा। कुछ साल पहले भी गोयल गृह मंत्रालय में बतौर संयुक्त सचिव आंतरिक सुरक्षा काम कर चुके हैं। अनिल गोस्वामी द्वारा मतंग सिंह की गिरफ्तारी टालने के लिए सीबीआई अफसरों को फोन करने की बात कबूलने के बाद सरकार ने देर शाम उन्हें हटाने का फैसला लिया, जिसके बाद गोस्वामी ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। उधर दूसरी ओर सीबीआई ने अपने उस अफसर के खिलाफ भी जांच शुरू की है जिसने शारदा घोटाले को लेकर मतंग सिंह से फोन पर बातचीत की थी। पद से हटाए गए केंद्रीय गृह सचिव अनिल गोस्वामी ने सर्विस से वीआरएस ले लिया है। 1978 बैच के जम्मू कश्मीर कैडर के आईएएस अधिकारी अनिल गोस्वामी को शारदा घोटाले में फंसे मतंग सिंह को बचाने की कोशिश का आरोप था, जिसके बाद उन्हें उनके पद से हटा दिया गया था। एसीसी ने गोस्वामी के वीआरएस की अर्जी को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सुनंदा पुष्कर मामले के। सुनंदा पुष्कर की मौत के सिलसिले में एसआईटी शशि थरूर से फिर से पूछताछ कर सकती है। एसआईटी ने आज सुनंदा पुष्कर के बेटे शिव मेनन से पूछताछ की। मेनन आज यहां दक्षिण दिल्ली के वसंत कुंज में दोपहर में एसआईटी कार्यालय पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने कहा कि मेनन इस मामले की जाँच में शामिल हो गए हैं। पुलिस आयुक्त वीएस बस्सी ने कल कहा था कि मेनन को बुलाया गया था और वह राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे हैं। सुनंदा की मौत की जाँच कर रही पुलिस टीम इस मामले के सिलसिले में अब तक 15 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर, उनके स्टाफ और निकट मित्र उन लोगों में शामिल हैं जिनसे दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की है। समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता अमर सिंह और वरिष्ठ पत्रकार नलिनी सिंह से भी पुलिस ने पूछताछ की है। रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने व्यक्तियों द्वारा वित्तीय निवेश पर मिलने वाली कर छूट की सीमा बढ़ाने की वकालत की है। अभी योजनाओं में सालाना 1,50,000 रुपये तक के निवेश पर आयकर में छूट मिलती है। राजा ने माना है कि पिछले बजट में ही कर छूट वाले निवेश की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए की गई थी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये सीमा लंबे समय से 1 लाख रुपए तक सीमित रही, जिससे इस योजना का लाभ कम हो चुका है। रघुराम राजा ने कहा कि सरकार ने पिछले बजट में वस्तुओं पर कर लाभ सीमा में 50,000 रुपए का इजाफा किया था। लोक भविष्य निधि नई पेंशन योजना बीमा नीतियों और इक्विटी आधारित बचत योजनाओं पर किए गए सालाना 1,50,000 रुपये तक के निवेश को आयकर कानून की धारा 80C के तहत कर योग्य आय में से घटा दिया जाता है। इससे वित्तीय बचत में मदद मिलती है। वित्त मंत्रालय ने पेंशन और निवेश से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव किए हैं, जिसमें नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एनएचएआई को एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ईपीएफओ से कर्ज लेने की इजाजत मिल जाएगी और यह पैसा सड़क बनाने में इस्तेमाल होगा।
नियमों में बदलाव के बाद अप्रैल 2015 से पेंशन फंड को एनएचआई जैसी अथॉरिटी के बॉन्ड में निवेश किया जा सकता है। पहले के नियम के मुताबिक पेंशन फंड को पीएसयू के बॉन्ड में ही निवेश किया जा सकता था। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार बुनियादी ढांचे में सुधार कर पर फोकस कर रही है। नई सड़कें बनाने और पुरानी सड़कों के रखरखाव पर सरकार का पूरा जोर है। सरकार की योजना के मुताबिक अगले 4 से 5 सालों तक हर दिन करीब 30 किलोमीटर हाईवे का निर्माण किया जाएगा, ये सपना रखा गया है। इस योजना पर करीब 1.8 लाख करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। गौरतलब है कि राजमार्ग मंत्रालय को निजी सेक्टर से निवेश नहीं मिल रहा था, जिसके बाद मंत्रालय ने निवेश के अन्य विकल्प तलाशने शुरू किए थे। अंदाजा लगा लेते हैं कि किस प्रकार का इस बार का रेल बजट होगा। इस बार रेल बजट में रेल मंत्री सुरेश प्रभु लोगों को एक नई सौगात दे सकते हैं। मेट्रो की तर्ज पर भारतीय रेलवे के कई स्टेशन भी अंडरग्राउंड बनाए जा सकते हैं। स्टेशन बनाने का मकसद यह है कि अंडरग्राउंड स्टेशन बनाने वाली कंपनी को इस जमीन और उस पर निर्माण कर बिल्डिंग बनाने का मौका मिल सकेगा। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक अगर ऐसा होता है तो रेलवे को आधुनिक रेलवे स्टेशन मिल जाएगा, कंपनी को जमीन मिल जाएगी जिस पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाकर वो उसे लीज पर दे सकेगी। इससे रेलवे के साथ साथ निवेशकों का भी फायदा होगा। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में सरकार अमेरिका और सिंगापुर की सहायता ले सकती है। इसके अलावा विदेशी निवेशक भी इसमें निवेश कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक रेल बजट में रेल मंत्री इस बात का ऐलान कर सकते हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली 28 फरवरी को अपना बजट पेश करेंगे। वित्त मंत्री की कोशिश होगी कि एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की विकास दर 7 से 8% के लक्ष्य को हासिल करें। इसके अलावा इस बजट से निवेशक और आम आदमी को बहुत सारी उम्मीदें हैं। उम्मीद की जा रही है कि अरुण जेटली फिस्कल कंसोलिडेशन के उसी रास्ते को अपनाएंगे जो कि पिछली सरकार ने साल 2012 में अपनाया था। निवेशकों को उम्मीद है कि बजट में डीजल पर से मूल्य प्रतिबंध हटाने को जारी रखा जाएगा और अन्य सब्सिडाइज फ्यूल्स के लिए इसी प्रकार के रिफॉर्म्स की उम्मीद है। वित्त मंत्री से खाद्य और खाद सब्सिडी पर खर्च में कटौती के लिए कदम उठाने की भी उम्मीद की जा रही है। इस बार के बजट से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून मनरेगा जैसी फ्लैगशिप वेलफेयर स्कीम में संतुलन लाने की उम्मीद जताई जा रही है। मनरेगा दुनिया भर में सबसे बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम है। इसके अलावा उम्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली का बजट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने में भी मददगार साबित होगा। 2015-16 का बजट से मोदी के मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए कई सेक्टरों को टैक्स छूट और अन्य फायदे इस बार के बजट में मिल सकते हैं। इस बार के बजट में वित्त मंत्री जेटली से उम्मीद की जा रही है कि पब्लिक सेक्टर के बीमार बैंकों की हालत सुधारने के लिए रोडमैप तैयार करेंगे। ये बैंक बैड लोन्स और कॉरपोरेट गवर्नेंस की समस्या से पीड़ित हैं। उधर लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने गोवा और हिमाचल प्रदेश की विधानसभाओं की तर्ज पर संसद को वाईफाई समेत अन्य हाईटेक सुविधाओं से लैस करने और सदन के कामकाज को पेपरलेस बनाने की पहल को जल्द से जल्द अमली जामा पहनाने का फैसला किया है। लोकसभा सचिवालय के सूत्रों के मुताबिक सुमित्रा महाजन ने पेपरलेस ऑफिस के मुद्दे पर एक बैठक की, जिसमें नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर की टीम के साथ सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारियों के साथ नई पहल को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। अध्यक्ष इस बारे में अन्य दलों के नेताओं से भी चर्चा करेंगे। एक आंकड़े के मुताबिक संसद में पेश होने वाली रिपोर्ट की 50% कॉपियां बेकार पड़ी रह जाती हैं, जिससे बड़े पैमाने पर कागजों की बर्बादी होती है और इसे रोकने के मकसद से ये कदम उठाया जा रहा है। बैठक में इस बात पर भी फैसला किया गया है कि संसद में इंटरनेट कनेक्टिविटी भी सुनिश्चित की जाएगी, जिसमें वाईफाई जैसी सुविधा शामिल है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि अगले मॉनसून सत्र से पहले संसद भवन में हर सांसद के बैठने की सीट के सामने एक टैब होगा, यानी कि टैबलेट होगा, जहां पर वो हर अपडेट संसद की कार्यवाही से संबंधित देख सकेंगे और कागज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिलहाल इस बाबत सांसदों से भी बातचीत की जाएगी, उन्हें खास तरह की अगर ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी तो वो भी दिया जाएगा। ब्रिटेन में आगे बढ़ते हैं। 2050 तक भारतीय युवतियों को योग्य साथी की तलाश में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, खासकर यदि उन्होंने यूनिवर्सिटी या कॉलेज स्तर तक की पढ़ाई कर ली है। एक नए शोध में यह दावा किया गया है। डेमोग्राफी जर्नल में प्रकाशित इस शोध के अनुसार यदि वर्तमान सामाजिक मानदंड 2050 तक चलते रहे तो यूनिवर्सिटी या कॉलेज स्तर की पढ़ाई करने वाले पुरुषों की मांग समान पढ़ाई करने वाली महिलाओं की तुलना में ज्यादा होगी। इस अध्ययन में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, द सेंटर फॉर डेमोग्राफिक स्टडीज बार्सिलोना और मिनेसोटा पॉपुलेशन केंद्र अमेरिका के छात्र शामिल थे। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अप्लाइड सिस्टम एनालिसिस और वियना इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोग्राफी के मौजूदा जनसंख्या प्रक्षेपण डाटा के अनुसार 2050 तक 25 से 29 आयु वर्ग की 100 महिलाओं की तुलना में ये 92 पुरुष यूनिवर्सिटी एजुकेशन हासिल करेंगे। 2010 में 100 महिलाओं की तुलना में 151 पुरुष यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे। शोध के अनुसार यदि वर्तमान व्यवस्था चलती रही तो पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए सुयोग्य साथी की संख्या घट जाएगी।
भारत को अरबपतियों की संख्या के लिहाज से पहली बार शीर्ष तीन देशों में शामिल किया गया है। भारत संबंधी धनी व्यक्तियों की सूची रिच लिस्ट इंडिया 2015 में रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी टॉपर हैं। आकलन के मुताबिक अमेरिका में सबसे ज्यादा अरबपति हैं, उसके बाद चीन और फिर भारत का नंबर है। दुनिया भर के 2089 अरबपतियों में से 97 अरबपति भारत से हैं। यह पहला मौका है जबकि भारत इस सूची में शीर्ष तीन देशों में जगह बनाने में कामयाब हुआ है। अरबपतियों के मामले में भारत नंबर 3 पर है और भारत में कुल 97 अरबपति हैं। दुनिया में कुल 2089 अरबपति हैं, जिनमें से पहला अमेरिका, दूसरा चीन का नंबर है, तीसरा नंबर है भारत का। बात एक बार फिर से दर्शकों के आज के सवाल के जवाब के राय को लेकर सीधे कानपुर चलते हैं, जहां गोपाल भट्ट साहब हमारे साथ जुड़े हैं। भट्ट साहब, बहुत स्वागत है आपका एपीएन में। क्या कुछ मानना है आपका आज के सवाल के जवाब के तौर पर? सर, मेरा ऐसा मानना है, मुझे ज्यादा ज्ञान तो नहीं है, पर सर मेरा ऐसा मानना है कि जो ये जितने भी बॉलीवुड से कलाकार जो ये राजनीति में उतर जाते हैं, सर इनको ज्यादा ज्ञान तो होता नहीं राजनीति का, है ना सर? तो ये एक्चुअली जैसे आपने देखा होगा जयललिता का भी क्या हाल हुआ है, तो ये मुझे ये कोई अंदरूनी कला नहीं है सर इनका, सर राजनीति का कम ज्ञान है जो इनको बड़ी बड़ी बोल बोलने पर मजबूर कर देता, ऐसा मेरा मानना है। चलिए भट्ट साहब, बहुत धन्यवाद आपका। निश्चित तौर पे ज्ञान की कम, विवेक की ज्यादा जरूरत पड़ती है राजनीति में। सवाल इस बात का रहेगा कि विवेक किसके पास है, ये जनता तय कर देगा। 7 फरवरी को वोटिंग के मार्फत जनता तय कर देगी या 10 फरवरी को काउंटिंग के मार्फत पता चल जाएगा। फिलहाल वोटिंग में आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं ब्यूरोक्रेसी टॉप 5 की खबरों पर। भारत सरकार में संयुक्त सचिव नियुक्त किए गए हैं मनोरंजन कुमार। मनोरंजन कुमार 1986 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। 1986 बैच के ही आईएएस अधिकारी राज्यपाल भारत सरकार में संयुक्त सचिव बनाए गए हैं। 1986 बैच के एक और अधिकारी की बात कर ली जाए तो देवेंद्र सिंह भारत सरकार में संयुक्त सचिव के बनाए गए हैं। गृह मंत्रालय ने एनटीपीसी में प्रमुख सचिव के पद के लिए आईजी लेवल के आईपीएस अधिकारियों के आवेदन मंगाए हैं। पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर ए के बालियान जून में रिटायर हो जाएंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और जायजा ले लेते हैं न्याय मंच का। इशरत जहां एनकाउंटर मामले में अदालत ने डीजी बंजारा और पीपी पांडे को जमानत दे दी है, लेकिन कोर्ट ने शर्त लगाई है कि बंजारा गुजरात में प्रवेश नहीं करेंगे। बंजारा के वकील ने कहा है कि कोर्ट ने पाया कि बंजारा की तरफ से गवाहों को कोई खतरा नहीं है। मुंबई के कोर्ट से भी आदेश है कि बंजारा मुंबई नहीं छोड़ सकते, इसलिए बंजारा को शनिवार को कोर्ट में पेश होना होगा, बाकी समय वह मुंबई में ही रहेंगे। बंजारा को 2007 में गुजरात सीआईडी ने गिरफ्तार किया था, उसके बाद से वो जेल में थे। सीबीआई दिसंबर 2011 में गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के बाद से इस बहुचर्चित मामले की जांच कर रही है और अभी तक की जांच में यह बात खुलकर सामने आ गई है कि गुजरात पुलिस और आईबी ने मिलकर इस मुठभेड़ की योजना बनाई थी। मुठभेड़ के दौरान बंजारा क्राइम ब्रांच में पीपी पांडे के डिप्टी थे। सीबीआई की चार्जशीट में 15 जून 2004 को हुई इस हत्या मामले में बंजारा और पांडे के अलावा आईपीएस अधिकारी जीएल सिंगल और नरेंद्र के अमीन के अलावा तरुण बरोत, जीजी परमार और ए चौधरी को भी हत्या और साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दागी उम्मीदवारों पर एक अहम फैसला सुनाया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि अगर कोई सांसद, विधायक या कोई उम्मीदवार अपने खिलाफ आपराधिक मामले की जानकारी छिपाता है तो कोर्ट उसकी सदस्यता रद्द कर सकता है। जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने कहा है कि चुनाव में नामांकन दाखिल करने में खुद पर चल रहे आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाना उम्मीदवार की एक करप्ट प्रैक्टिस जैसा ही है। यह उस वक्त और भी गंभीर हो जाता है जब ये मामले संगीन और गंभीर अपराध और भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हों। कोर्ट ने कहा है कि आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाना वोटर को सही फैसला लेने से रोकने जैसा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला तमिलनाडु के एक पंचायत सदस्य की याचिका को खारिज करते हुए सुनाया है। नामांकन में मामले की जानकारी छिपाने पर मद्रास हाईकोर्ट ने उसका चुनाव रद्द कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट कई ऐतिहासिक फैसले सुना चुका है जिसमें भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में दोषी करार दिए जाने से ही सदस्यता रद्द होने और नामांकन पत्र में कोई कॉलम खाली छोड़ना, गलत जानकारी देना जैसा फैसला शामिल है। बात कर ली जाए प्रदूषण की। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर इस मुद्दे पर कोई और ध्यान नहीं देता है तो वह खुद निर्देश देगा और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करना शुरू करेगा।
हाईकोर्ट ने दिल्ली को सबसे प्रदूषित शहर बताने वाली रिपोर्ट के बाद यह ऐलान किया है। जस्टिस बीडी अहमद और जस्टिस संजीव सचदेव की बेंच ने राज्य सरकार से यह पता लगाने को कहा है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर कोई मामला चल रहा है या नहीं। साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि अगर मामला चल रहा है तो वह किस स्तर पर है। बेंच ने जानना चाहा है कि वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं। अदालत ने यह भी कहा है कि डॉक्टरों के मुताबिक दिल्ली में 50% बच्चे सांस की बीमारी से पीड़ित हैं, यह मंजूर नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। अदालत ने यह भी कहा है कि तुगलकाबाद किले के पास मानव निर्मित झील को बायोडायवर्सिटी पार्क में बदला जाए। देश की बात में नजर डाल लेते हैं लीगल टॉप फाइव की खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें सरकार ने शीर्ष अदालत से सारदा घोटाले की निगरानी करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विधायिका किसी अदालत के फैसले को सीधे तौर पर रद्द नहीं कर सकती। दिल्ली को दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर बताने संबंधी रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से अवैध निर्माण पर नियमित करने की योजना को 25 मार्च तक अंतिम रूप देने का निर्देश दिया है। 11 साल की बच्ची का उत्पीड़न करने वाले आरोपी को दिल्ली की अदालत ने बरी कर दिया है। देश की बात में आगे बढ़ते हैं और जायजा ले लेते हैं चौथे स्तंभ का। दिल्ली में 7 फरवरी को होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार पर लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। चुनाव प्रचार पर ज्यादातर खर्च प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापनों पर किया गया। उद्योग संगठन एसोचैम के मुताबिक दिसंबर 2013 विधानसभा के चुनाव की तुलना में इस बार चुनाव पर खर्च 30-40% बढ़ा है। इस बार के चुनाव में 60% से अधिक खर्च रैलियों और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापनों पर खर्च हुआ है। एसोचैम के मुताबिक व्यक्तिगत उम्मीदवारों की तुलना में राजनीतिक पार्टियों ने भारी धनराशि खर्च की है। एसोचैम ने कहा है कि व्यक्तिगत उम्मीदवारों पर खर्च की एक सीमा लागू होती है जबकि राजनीतिक पार्टियों पर ऐसी कोई बंदिश नहीं है, जो कि चुनाव कानून में एक बड़ी खामी है जिसे अवश्य सुलझाया जाना चाहिए। इन विज्ञापनों से सबसे अधिक लाभ टेलीविजन चैनलों, अखबारों, प्रिंटर्स, सोशल नेटवर्किंग साइट, परिवहन प्रदाताओं, कैटरर्स और विमानन कंपनियों आदि को हो रहा है। बात आज के हमारे सवाल के जवाब की, तो आज का हमारा सवाल है कि क्या शत्रुघ्न सिन्हा का बयान पार्टी की अंदरूनी राजनीति को दर्शाता है। 53% लोगों ने माना है कि हाँ ये सही है, जबकि 47% इस बात से इनकार कर रहे हैं। और अब बारी आज के हमारे संपादक की, जो कि अनिल ठाकुर हैं, पूर्व कार्यकारी संपादक दैनिक भास्कर। आइए उनको देखते और सुनते हैं। पुरानी कहावत है, जो पकड़ा गया वो चोर, जो बच गया वह साधु। पद से हटाए गए गृह सचिव अनिल गोस्वामी के बारे में यह जुमला पूरी तरह प्रासंगिक लगता है। सभी जानते हैं कि राजनीति और नौकरशाही का रिश्ता मौसेरे भाई का होता है। दोनों अपने अपने हितों की रक्षा के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और भारतीय राजनीति में यह अकेला मामला नहीं है जब किसी नौकरशाह ने किसी राजनीतिज्ञ को बचाने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। अपना उल्लू सीधा करने के लिए दोनों ही एक दूसरे के काम आते हैं, पद पर रहते हुए भी और पद से अलग होने के बाद भी। शायद यही वजह है कि भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले सतह पर नहीं आ पाते, या फिर अगर उजागर हो भी जाए तो फंसे हुए व्यक्ति को राहत देने की कवायद शुरू हो जाती है। पूर्व गृह राज्य मंत्री और कांग्रेस के नेता मतंग सिंह का फोन क्योंकि सर्विलांस पर था और शारदा घोटाले से जुड़े सभी आरोपियों पर सीबीआई की नजर थी, इसीलिए अनिल गोस्वामी की कारगुजारियां इस जांच एजेंसी की नजर में आ पाई। अन्यथा खेल होता रहता और अन्य अनेक नौकरशाहों की तरह अनिल गोस्वामी द्वारा पद के दुरुपयोग का मामला किसी को पता भी नहीं लगता। हाँ, सुकून की यह बात जरूर है कि केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस घटना की जानकारी मिलते ही
पूरी दिलचस्पी दिखाई और आनन फानन में अनिल गोस्वामी के खिलाफ कार्रवाई की। इससे उन आला अफसरों को शायद सबक मिले जो भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग को अपना अधिकार मानते हैं और कानून के साथ खेलते रहते हैं। लेकिन इस प्रकरण में एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि अगर मतंग सिंह भाजपा से जुड़े होते और मामला शारदा घोटाले का नहीं होता, जिसने तृणमूल कांग्रेस की राजनीतिक हैसियत को सबसे निचले पायदान पर ला दिया है, तब भी क्या अनिल गोस्वामी के खिलाफ इसी संजीदगी और तत्परता से कार्रवाई होती? क्या बीजेपी के रहनुमा भविष्य में अपने लिए भी इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत कर आम जनता को आश्वस्त कर पाएंगे? अनिल ठाकुर, पूर्व कार्यकारी संपादक, दैनिक भास्कर। और इसी के साथ आज के देश की बात में बस इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद एपीएन पर खबरों का सफर जारी रहेगा। नमस्कार।